हेलो नमस्कार दोस्तों अगर आप भी आई बी सेवेंटी वन मूवी देखना चाहते हैं लेकिन आई बी सेवेंटी वन मूवी आपको कहीं देखने को नहीं मिल रही और दोस्तों आप कंफ्यूज हैं कि आखिर यह मूवी आपको कहां देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आई बी सेवेंटी वन मूवी के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले है और दोस्तों हम बात करेंगे की कैसे आप इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आई बी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की फिर हम बात कर लेंगे की आखिर आप इस मूवी को घर बैठे कैसे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों अगर हम बात करें आई वी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की तो इसमें हम सब के फेवरेट विद्युत जामवाल जिनकी खुदा हाफिज चैप्टर वन और चैप्टर टू मूवी तो आपने जरूर देखी होगी उसी के साथ दोस्तों दिलीप थाहिल शाहीदुर रहमान निहारिका और विशाल जेठवा भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह विद्युत जामवाल के बहुत बड़े फैन है और उनकी मूवी देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करते तो इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जरूर ऐसी बताइएगा और दोस्तों आप में से किन लोगों ने विद्युत जामवाल की खुदा हाफिज चैप्टर टू और चैप्टर वन मूवी देखी हमें कमेंट करते हुए जरूर से बताइएगा संकल्प रेड्डी की डायरेक्शन में बनने वाली ये एक, एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसकी अगर रेटिंग की बात करें तो आई एम डीबी सेवन पॉइंट टू और एटी थ्री परसेंट गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है दोस्तों आई बी सेवेंटी वन मूवी की कहानी काफी ज्यादा रोमांचक है जो दर्शकों को बांध पाने में काफी हद तक सक्षम हो जाती है दोस्तों आई बी सेवेंटी वन आदित्य शास्त्री द्वारा लिखी गई कहानी पर संकल्प रेड्डी द्वारा निर्देशित की गई एक फिल्म है दोस्तों आप लोगों को जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है कि ये मूवी इंडो पाकिस्तानी वॉर जो कि 1971 में हुआ था उस पर बेस्ड है और किस तरह से इंडियन फौज ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा था दोस्तों अगर आप एक हिस्टोरिकल मूवी देखना चाहते हैं तो मैं तो कहूंगा आपको एक बार से ये मूवी जरूर से देख लेनी चाहिए अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे की आखिर यह मूवी आपको कहाँ देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप सभी लोगो के लिए खुशी की बात यह है की इस मूवी को टीटी आरोप रिलीज कर दिया गया है आप चाहे तो इस मूवी को घर बैठे ही डिजनी प्लस हॉटस्टार पर इंजॉय कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में नई मूवी के साथ तब तक आप आई बी सेवेंटी वन मूवी को एंजॉय कर लीजिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद हेलो नमस्कार दोस्तों अगर आप भी आई बी सेवेंटी वन मूवी देखना चाहते हैं लेकिन आई बी सेवेंटी वन मूवी आपको कहीं देखने को नहीं मिल रही और दोस्तों आप कंफ्यूज हैं कि आखिर यह मूवी आपको कहां देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आई बी सेवेंटी वन मूवी के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं और दोस्तों हम बात करेंगे की कैसे आप इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आई वी मूवी के कास्ट की फिर हम बात कर लेंगे की आखिर आप इस मूवी को घर बैठे कैसे इन्जॉय कर सकते हैं तो दोस्तों अगर हम बात करें आई वी मूवी के कास्ट की तो इसमें हम सब के फेवरेट विद्युत जामवाल जिनकी खुदा हाफिज चैप्टर वन और चैप्टर टू मूवी तो आपने जरूर देखी होगी उसी के साथ दोस्तों दिलीप थाहिल शहीदुर रहमान निहारिका और विशाल जेठवा भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह विद्युत जामवाल के बहुत बड़े फैन हैं और उनकी मूवी देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करते तो इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जरूर से बताइएगा और दोस्तों आप में से किन लोगों ने विद्युत जामवाल की खुदा हाफिज चैप्टर टू और चैप्टर वन मूवी देखी है हमें कमेंट करते हुए जरूर से बताइएगा संकल्प रेडी की डायरेक्शन में बनने वाली ये एक, एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसकी अगर रेटिंग की बात करें तो आई एम डीबी आरोप और एटी गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है दोस्तों आई बी मूवी की कहानी काफी ज्यादा रोमांचक है जो दर्शकों को बांध पाने में काफी हद तक सक्षम हो जाती है दोस्तों आई बी आदित्य शास्त्री द्वारा लिखी गई कहानी पर संकल्प रेडी द्वारा निर्देशित की गई एक फिल्म है दोस्तों आप लोगों को जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है कि ये मूवी इंडो पाकिस्तानी वॉर जो कि 1971 में हुआ था उस पर बेस्ड है और किस तरह से इंडियन फौज ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा था दोस्तों अगर आप एक हिस्टोरिकल मूवी देखना चाहते है तो मैं तो कहूंगा आपको एक बार ऐसी ये मूवी जरूर ऐसी देख लेनी चाहिए अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे की आखिर यह मूवी आपको कहाँ देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए खुशी की बात यह है इस मूवी को और टीवी आरोप कर दिया गया है आप चाहे तो इस मूवी को घर बैठे ही डिजनी प्लस होटस्ट पर एंजॉय कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में नई मूवी के साथ आई आप आप बी सेवेंटी वन मूवी को एंजॉय कर लीजिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद हेलो नमस्कार दोस्तों अगर आप भी आई बी सेवेंटी वन मूवी देखना चाहते हैं लेकिन आई बी सेवेंटी वन मूवी आपको कहीं देखने को नहीं मिल रही और दोस्तों आप कंफ्यूज हैं कि आखिर यह मूवी आपको कहां देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आई बी सेवेंटी वन मूवी के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं और दोस्तों हम बात करेंगे कि कैसे आप इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आई बी सेवेंटी के कास्ट की फिर हम बात कर लेंगे की आखिर आप इस मूवी को घर बैठे कैसे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों अगर हम बात करें आई बी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की तो इसमें हम सब के फेवरेट विदु जामवाल जिनकी खुदा हाफिज चैप्टर वन और चैप्टर टू मूवी तो आपने जरूर देखी होगी उसी के साथ दोस्तों दिलीप थाहिल शहीदुर रहमान निहारिका और विशाल जेठवा भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगी दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह विद्युत जामवाल के बहुत बड़े फैन है और उनकी मूवी देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करते तो इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जरूर ऐसी बताइएगा और दोस्तों आप में से किन लोगों ने विद्युत जामवाल की खुदा हाफिस चैप्टर टू और चैप्टर वन मूवी देखी है हमें कमेंट करते हुए जरूर ऐसी बताइएगा संकल्प रेड्डी की डायरेक्शन में बनने वाली ये एक, एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसकी अगर रेटिंग की बात करें तो आई एम डीबी पर सेवन पॉइंट टू और एटी थ्री परसेंट गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है दोस्तों आई बी सेवेंटी वन मूवी की कहानी काफी ज्यादा रोमांचक है जो दर्शकों को बांध पाने में काफी हद तक सक्षम हो जाती है दोस्तों आई बी सेवेंटी वन आदित्य शास्त्री द्वारा लिखी गई कहानी पर संकल्प रेडी द्वारा निर्देशित की गई एक फिल्म है दोस्तों आप लोगों को जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है कि ये मूवी इंडो पाकिस्तानी वॉर जो की नाइनटीन में हुआ था उस पर बेस्ड है और किस तरह से इंडियन फोज ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा था दोस्तों अगर आप एक हिस्टोरिकल मूवी देखना चाहते है तो मैं तो कहूँगा आपको एक बार ऐसी ये मूवी जरूर ऐसी देख लेनी चाहिए अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे की आखिर यह मूवी आपको देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए खुशी की बात यह है की टी टी रिलीज कर दिया गया है आप चाहे तो इस मूवी को घर बैठे ही डिजनी प्लस होटस्ट पर एंजॉय कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में नई मूवी के साथ आई बी सेवेंटी वन मूवी को एंजॉय कर लीजिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद हेलो नमस्कार दोस्तों अगर आप भी आई बी सेवेंटी वन मूवी देखना चाहते हैं लेकिन आई बी सेवेंटी वन मूवी आपको कहीं देखने को नहीं मिल रही और दोस्तों आप कंफ्यूज हैं कि आखिर यह मूवी आपको कहां देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आई बी सेवेंटी वन मूवी के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले है और दोस्तों हम बात करेंगे की कैसे आप इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आई बी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की फिर हम बात कर लेंगे की आखिर आप इस मूवी को घर बैठे कैसे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों अगर हम बात करें आई बी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की तो इसमें हम सबके फेवरेट विदु जामवाल जिनकी खुदा हाफिज चैप्टर वन और चैप्टर टू मूवी तो आपने जरूर देखी होगी उसी के साथ दोस्तों दिलीप थाहिल शाहीदुर रहमान निहारिका और विशाल जेठवा भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह विद्युत जामवाल के बहुत बड़े फैन है और उनकी मूवी देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करते तो इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जरूर ऐसी बताइएगा और दोस्तों आप में से किन लोगों ने विद्युत जामवाल की खुदा हाफिज चैप्टर टू और चैप्टर वन मूवी देखी है हमें कमेंट करते हुए जरूर ऐसी बताइएगा संकल्प रेडी की डायरेक्शन में बनने वाली ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसकी अगर रेटिंग की बात करें तो आई एम डीबी सेवन पॉइंट और 83 परसेंट गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है दोस्तों आई बी मूवी की कहानी काफी ज्यादा रोमांचक है जो दर्शकों को बांध पाने में काफी हद तक सक्षम हो जाती है दोस्तों आई बी आदित्य शास्त्री द्वारा लिखी गई कहानी पर संकल्प रेड्डी द्वारा निर्देशित की गई एक फिल्म है दोस्तों आप लोगों को जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है की ये मूवी इंडो पाकिस्तानी वॉर जो की नाइनटीन में हुआ था उस पर बेस्ड है और किस तरह से इंडियन फौज ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा था दोस्तों अगर आप एक हिस्टोरिकल मूवी चाहते हैं तो मैं तो कहूंगा आपको एक बार से ये मूवी जरूर से देख लेनी चाहिए अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे कि आखिर यह मूवी आपको कहां देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि इस मूवी को ओटीटी भी रिलीज कर दिया गया है आप चाहे तो इस मूवी को घर बैठे ही डिजनी प्लस हॉटस्टार पर इंजॉय कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में नई मूवी के साथ तब तक आप आई बी सेवेंटी वन मूवी को इंजॉय कर लीजिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद हेलो नमस्कार दोस्तों अगर आप भी आई बी सेवेंटी वन मूवी देखना चाहते हैं लेकिन आई बी सेवेंटी वन मूवी आपको कहीं देखने को नहीं मिल रही और दोस्तों आप कंफ्यूज हैं कि आखिर यह मूवी आपको कहां देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आई बी सेवेंटी वन मूवी के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले है और दोस्तों हम बात करेंगे की कैसे आप इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आई बी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की फिर हम बात कर लेंगे की आखिर आप इस मूवी को घर बैठे कैसे से इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों अगर हम बात करें आई वी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की तो इसमें हम सब के फेवरेट विदुत जामवाल जिनकी खुदा हाफिज चैप्टर वन और चैप्टर टू मूवी तो आपने जरूर देखी होगी उसी के साथ दोस्तों दिलीप थाहिल शहीद रहमान निहारिका और विशाल जेठवा भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह विद्युत जामवाल के बहुत बड़े फैन है और उनकी मूवी देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करते तो इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जरूर ऐसी बताइएगा और दोस्तों आप में से किन लोगों ने विद्युत जामवाल की खुदा हाफिज चैप्टर टू और चैप्टर वन मूवी देखी है हमें कमेंट करते हुए जरूर से बताइएगा संकल्प रेड्डी की डायरेक्शन में बनने वाली ये एक, एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसकी अगर रेटिंग की बात करें तो आई एम डीबी पर इसे सेवन पॉइंट टू और एटी थ्री परसेंट गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है दोस्तों आई बी सेवेंटी वन मूवी की कहानी काफी ज्यादा रोमांचक है जो दर्शकों को बांध पाने में काफी हद तक सक्षम हो जाती है दोस्तों आई बी सेवेंटी वन आदित्य शास्त्री द्वारा लिखी गई कहानी पर संकल्प रेड्डी द्वारा निर्देशित की गई एक फिल्म है दोस्तों आप लोगों को जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है कि ये मूवी इंडो पाकि पाकिस्तानी वॉर जो कि 1971 में हुआ था उस पर बेस्ड है और किस तरह से इंडियन फौज ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा था दोस्तों अगर आप एक हिस्टोरिकल मूवी देखना चाहते हैं तो मैं तो कहूंगा आपको एक बार से ये मूवी जरूर से देख लेनी चाहिए अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे की आखिर यह मूवी आपको कहाँ देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि इस मूवी को टीटी पर रिलीज कर दिया गया है आप चाहे तो इस मूवी को घर बैठे ही डिजनी प्लस हॉटस्टार पर इंजॉय कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में नई मूवी के साथ अब तक आप आईबी सेवेंटी वन मूवी को एंजॉय कर लीजिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद हेलो नमस्कार दोस्तों अगर आप भी आई बी सेवेंटी वन मूवी देखना चाहते हैं लेकिन आई बी सेवेंटी वन मूवी आपको कहीं देखने को नहीं मिल रही और दोस्तों आप कंफ्यूज हैं कि आखिर यह मूवी आपको कहां देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आई बी सेवेंटी वन मूवी के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले है और दोस्तों हम बात करेंगे की कैसे आप इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आई बी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की फिर हम बात कर लेंगे की आखिर आप इस मूवी को घर बैठे कैसे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों अगर हम बात करें आई वी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की तो इसमें हम सब के फेवरेट विद्युत जामवाल जिनकी खुदा हाफिज चैप्टर वन और चैप्टर टू मूवी तो आपने जरूर देखी होगी उसी के साथ दोस्तों दिलीप थाहिल शहीद निहारिका और विशाल जेठवा भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह विद्युत जामवाल के बहुत बड़े फैन है और उनकी मूवी देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करते तो इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जरूर ऐसी बताइएगा और दोस्तों आप में से किन लोगों ने विद्युत जामवाल की खुदा हाफिज चैप्टर टू और चैप्टर वन मूवी देखी है हमें कमेंट करते हुए जरूर से बताइएगा संकल्प रेड्डी की डायरेक्शन में बनने वाली ये एक, एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसकी अगर रेटिंग की बात करें तो आई एम डीबी आरोप सेवन पॉइंट टू और एटी थ्री परसेंट गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है दोस्तों आई बी सेवेंटी वन मूवी की कहानी काफी ज्यादा रोमांचक है जो दर्शकों को बांध पाने में काफी हद तक सक्षम हो जाती है दोस्तों आई बी सेवेंटी वन आदित्य शास्त्री द्वारा लिखी गई कहानी पर संकल्प रेड्डी द्वारा निर्देशित की गई एक फिल्म है दोस्तों आप लोगों को जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है कि ये मूवी इंडो पार्टी पाकिस्तानी वॉर जो कि 1971 में हुआ था उस पर बेस्ड है और किस तरह से इंडियन फोज ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा था दोस्तों अगर आप एक हिस्टोरिकल मूवी देखना चाहते हैं तो मैं तो कहूंगा आपको एक बार से ये मूवी जरूर से देख लेनी चाहिए अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे की आखिर यह मूवी आपको कहाँ देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप सभी लोगो के लिए खुशी की बात यह है कि इस मूवी को टी टी रिलीज कर दिया गया है आप चाहे तो इस मूवी को घर बैठे ही डिजनी प्लस हॉटस्टार पर इंजॉय कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में नई मूवी के साथ अब तक आप आईबी सेवेंटी वन मूवी को एंजॉय कर लीजिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद हेलो नमस्कार दोस्तों अगर आप भी आई बी सेवेंटी वन मूवी देखना चाहते हैं लेकिन आई बी सेवेंटी वन मूवी आपको कहीं देखने को नहीं मिल रही और दोस्तों आप कंफ्यूज हैं कि आखिर यह मूवी आपको कहां देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आई बी सेवेंटी वन मूवी के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले है और दोस्तों हम बात करेंगे की कैसे आप इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आई बी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की फिर हम बात कर लेंगे की आखिर आप इस मूवी को घर बैठे कैसे से इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों अगर हम बात करें आई वी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की तो इसमें हम सब के फेवरेट विद्युत जामवाल जिनकी खुदा हाफिज चैप्टर वन और चैप्टर टू मूवी तो आपने जरूर देखी होगी उसी के साथ दोस्तों दिलीप थाहिल शहीद रहमान निहारिका और विशाल जेठवा भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह विद्युत जामवाल के बहुत बड़े फैन है और उनकी मूवी देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करते तो इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जरूर ऐसी बताइएगा और दोस्तों आप में से किन लोगों ने विद्युत जामवाल की खुदा हाफिज चैप्टर टू और चैप्टर वन मूवी देखी है हमें कमेंट करते हुए जरूर से बताइएगा संकल्प रेड्डी की डायरेक्शन में बनने वाली ये एक, एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसकी अगर रेटिंग की बात करें तो आई एम डीबी आरोप और एटी गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है दोस्तों आई मूवी की कहानी काफी ज्यादा रोमांचक है जो दर्शकों को बांध पाने में काफी हद तक सक्षम हो जाती है दोस्तों आई बी सेवेंटी वन आदित्य शास्त्री द्वारा लिखी गई कहानी पर संकल्प रेड्डी द्वारा निर्देशित की गई एक फिल्म है दोस्तों आप लोगों को जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है कि ये मूवी इंडो पाकिस्तानी वॉर जो कि 1971 में हुआ था उस पर बेस्ड है और किस तरह से इंडियन फौज ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा था दोस्तों अगर आप एक हिस्टोरिकल मूवी देखना चाहते हैं तो मैं तो कहूंगा आपको एक बार से ये मूवी जरूर से देख लेनी चाहिए अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे की आखिर यह मूवी आपको कहाँ देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए खुशी की बात यह है की इस मूवी को और टीटी पर भी डिलीट कर दिया गया है आप चाहे तो इस मूवी को घर बैठे ही डिजनी प्लस हॉटस्टार पर इंजॉय कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में नई मूवी के साथ अब तक आप आई बी सेवेंटी वन मूवी को एंजॉय कर लीजिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद हेलो नमस्कार दोस्तों अगर आप भी आई बी सेवेंटी वन मूवी देखना चाहते हैं लेकिन आई बी सेवेंटी वन मूवी आपको कहीं देखने को नहीं मिल रही और दोस्तों आप कंफ्यूज हैं कि आखिर यह मूवी आपको कहां देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आई बी सेवेंटी वन मूवी के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले है और दोस्तों हम बात करेंगे की कैसे आप इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आई बी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की फिर हम बात कर लेंगे की आखिर आप इस मूवी को घर बैठे कैसे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों अगर हम बात करें आई वी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की तो इसमें हम सब के फेवरेट विद्युत जिनकी खुदा हाफिज चैप्टर वन और चैप्टर टू मूवी तो आपने जरूर देखी होगी उसी के साथ दोस्तों दिलीप थाहिल थाहल शहीद निहारिका और विशाल जेठवा भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह विद्युत जामवाल के बहुत बड़े फैन है और उनकी मूवी देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करते तो इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जरूर ऐसी बताइएगा और दोस्तों आप में से किन लोगों ने विद्युत जामवाल की खुदा हाफिज चैप्टर टू और चैप्टर वन मूवी है हमें कमेंट करते हुए जरूर से बताइएगा संकल्प रेड्डी की डायरेक्शन में बनने वाली ये एक एक्शन एक थ्रिलर मूवी है जिसकी अगर रेटिंग की बात करें तो आई एम यूजर ने इसे पसंद भी किया है दोस्तों आई बी सेवेंटी वन मूवी की कहानी काफी ज्यादा रोमांचक है जो दर्शकों को बांध पाने में काफी हद तक सक्षम हो जाती है दोस्तों आई बी सेवेंटी वन आदित्य शास्त्री द्वारा लिखी गई कहानी पर संकल्प रेड्डी द्वारा निर्देशित की गई एक फिल्म है दोस्तों आप लोगों को जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है कि ये मूवी इंडो पाकि पाकिस्तानी वॉर जो कि 1971 में हुआ था उस पर बेस्ड है और किस तरह से इंडियन फोज ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा था दोस्तों अगर आप एक हिस्टोरिकल मूवी देखना चाहते हैं तो मैं तो कहूँगा आपको एक बार से ये मूवी जरूर से देख लेनी चाहिए अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे की आखिर यह मूवी आपको कहाँ देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप सभी लोगो के लिए खुशी की बात यह इस मूवी को टी टी आरोप कर दिया गया है आप चाहे तो इस मूवी को घर बैठे ही डिजनी प्लस होटस्टार इंजॉय कर सकते है तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते है अगली वीडियो में नई मूवी मूवी के साथ तब तक आप आई बी सेवेंटी वन मूवी को एंजॉय कर लीजिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद हेलो नमस्कार दोस्तों अगर आप भी आई बी सेवेंटी वन मूवी देखना चाहते हैं लेकिन आई बी सेवेंटी वन मूवी आपको कहीं देखने को नहीं मिल रही और दोस्तों आप कंफ्यूज हैं कि आखिर यह मूवी आपको कहां देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आई बी सेवेंटी वन मूवी के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले है और दोस्तों हम बात करेंगे की कैसे आप इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए आज के इस वीडियो को शुरू कर ले लेते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आई बी मूवी के कास्ट की फिर हम बात कर लेंगे की आखिर आप इस मूवी को घर बैठे कैसे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों अगर हम बात करें आई बी मूवी के कास्ट की तो इसमें हम सब फेवरेट विद्युत जामवाल जिनकी खुदा हाफिज चैप्टर वन और चैप्टर टू मूवी तो आपने जरूर देखी होगी उसी के साथ दोस्तों दिलीप थाहिल शहीद रहमान निहारिका और विशाल जेठवा भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह विदुत जामवाल के बहुत बड़े फैन हैं और उनकी मूवी देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करते तो इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जरूर से बताइएगा और दोस्तों आप में से किन लोगों ने विद्युत जामवाल की खुदा हाफिज चैप्टर टू और चैप्टर वन मूवी देखी है हमें कमेंट करते हुए जरूर से बताइएगा संकल्प रेडी की डायरेक्शन में बनने वाली ये एक, एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसकी अगर रेटिंग की बात करें तो आई एम डी बी आरोप इसे सेवन और एटी गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है दोस्तों आई बी मूवी की कहानी काफी ज्यादा रोमांचक है जो दर्शकों को बांध पाने में काफी हद तक सक्षम हो जाती है दोस्तों आई बी आदित्य शास्त्री द्वारा लिखी गई कहानी पर संकल्प रेड्डी द्वारा निर्देशित की गई एक फिल्म है दोस्तों आप लोगों को जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है कि ये मूवी इंडो पाकिस्तानी वॉर जो कि 1971 में हुआ था उस पर बेस्ड है और किस तरह से इंडियन फौज ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा था दोस्तों अगर आप एक हिस्टोरिकल मूवी देखना चाहते है तो मैं तो कहूंगा आपको एक बार ऐसी ये मूवी जरूर ऐसी देख लेनी चाहिए अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे की आखिर यह मूवी आपको कहाँ देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए खुशी की बात यह है इस मूवी को भी रिलीज कर दिया गया है आप चाहें तो इस को घर बैठे ही डिजनी प्लस होस्टार पर एंजॉय कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में नई मूवी के साथ तब तक आई बी सेवेंटी को इंजॉय कर लीजिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद हेलो नमस्कार दोस्तों अगर आप भी आई बी सेवेंटी वन मूवी देखना चाहते हैं लेकिन आई बी सेवेंटी वन मूवी आपको कहीं देखने को नहीं मिल रही और दोस्तों आप कंफ्यूज हैं कि आखिर यह मूवी आपको कहां देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आई बी सेवेंटी वन मूवी के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं और दोस्तों हम बात करेंगे कि कैसे आप इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आई बी मूवी के कास्ट की फिर हम बात कर लेंगे की आखिर आप इस मूवी को घर बैठे कैसे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों अगर हम बात करें आई बी मूवी के कास्ट की तो इसमें हम सब के फेवरेट विदु जामवाल जिनकी खुदा हाफिज चैप्टर वन और चैप्टर टू मूवी तो आपने जरूर देखी होगी उसी के साथ दोस्तों दिलीप थाहिल शाहिदुर रहमान निहारिका और विशाल जेठवा भी आपको इस में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह विद्युत जामवाल के बहुत बड़े फैन है और उनकी मूवी देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करते तो इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जरूर ऐसी बताइएगा और दोस्तों आप में से किन लोगों ने विद्युत जामवाल की खुदा हाफिस चैप्टर टू और चैप्टर वन मूवी देखी है हमें कमेंट करते हुए जरूर ऐसी बताइएगा संकल्प रेड्डी की डायरेक्शन में बनने वाली ये एक, एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसकी अगर रेटिंग की बात करें तो आई एम डीबी पर सेवन पॉइंट टू और एटी थ्री परसेंट गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है दोस्तों आई बी सेवेंटी वन मूवी की कहानी काफी ज्यादा रोमांचक है जो दर्शकों को बांध पाने में काफी हद तक सक्षम हो जाती है दोस्तों आई बी सेवेंटी वन आदित्य शास्त्री द्वारा लिखी गई कहानी पर संकल्प रेड्डी द्वारा निर्देशित की गई एक फिल्म है दोस्तों आप लोगों को जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है की ये मूवी इंडो पाकिस्तानी वॉर जो की नाइनटीन में हुआ था उस पर बेस्ड है और किस तरह से इंडियन फौज ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा था दोस्तों अगर आप एक हिस्टोरिकल मूवी देखना चाहते है तो मैं तो कहूंगा आपको एक बार से ये मूवी जरूर से देख लेनी चाहिए अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे कि आखिर यह मूवी को कहा देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि इस मूवी को टीटी पर भी कर दिया गया है आप चाहे तो इस मूवी को घर बैठे ही डिजनी प्लस होटस्ट पर एंजॉय कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में नई मूवी के साथ आई बी सेवेंटी वन मूवी को एंजॉय कर लीजिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद हेलो नमस्कार दोस्तों अगर आप भी आई बी सेवेंटी वन मूवी देखना चाहते हैं लेकिन आई बी सेवेंटी वन मूवी आपको कहीं देखने को नहीं मिल रही और दोस्तों आप कंफ्यूज हैं कि आखिर यह मूवी आपको कहाँ देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आई बी सेवेंटी वन मूवी के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं और दोस्तों हम बात करेंगे कि कैसे आप इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आई बी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की फिर हम बात कर लेंगे की आखिर आप इस मूवी को घर बैठे कैसे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों अगर हम बात करें आई बी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की तो इसमें हम सब के फेवरेट विदु जामवाल जिनकी खुदा हाफिज चैप्टर वन और चैप्टर टू मूवी तो आपने जरूर देखी होगी उसी के साथ दोस्तों दिलीप थाहिल शहीद रहमान निहारिका और विशाल जेठवा भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह विद्युत जामवाल के बहुत बड़े फैन है और उनकी मूवी देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करते तो इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जरूर ऐसी बताइएगा और दोस्तों आप में से किन लोगों ने विद्युत जामवाल की खुदा हाफिस चैप्टर टू और चैप्टर वन मूवी देखी है हमें कमेंट करते हुए जरूर ऐसी बताइएगा संकल्प रेडी की डायरेक्शन में बनने वाली ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसकी अगर रेटिंग की बात करें तो आई एम डी बीस सेवन पॉइंट और 83 परसेंट गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है दोस्तों आई बी मूवी की कहानी काफी ज्यादा रोमांचक है जो दर्शकों को बांध पाने में काफी हद तक सक्षम हो जाती है दोस्तों आई बी आदित्य शास्त्री द्वारा लिखी गई कहानी पर संकल्प रेड्डी द्वारा निर्देशित की गई एक फिल्म है दोस्तों आप लोगों को जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है कि ये मूवी इंडो पाकिस्तानी वॉर जो कि 1971 में हुआ था उस पर बेस्ड है और किस तरह से इंडियन फोज ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा था दोस्तों अगर आप एक हिस्टोरिकल मूवी देखना चाहते हैं तो मैं तो कहूंगा आपको एक बार से ये मूवी जरूर से देख लेनी चाहिए अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे कि आखिर यह मूवी आपको कहां देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए खुशी की बात यह है की इस मूवी मुटी आरोप भी रिलीज कर दिया गया है आप चाहे तो इस मूवी को घर बैठे ही डिजनी प्लस हॉटस्टार पर इंजॉय कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में नई मूवी के साथ अब तक आप आई बी सेवेंटी वन मूवी को इंजॉय कर लीजिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद हेलो नमस्कार दोस्तों अगर आप भी आई बी सेवेंटी वन मूवी देखना चाहते हैं लेकिन आई बी सेवेंटी वन मूवी आपको कहीं देखने को नहीं मिल रही और दोस्तों आप कंफ्यूज हैं कि आखिर यह मूवी आपको कहां देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आई बी सेवेंटी वन मूवी के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले है और दोस्तों हम बात करेंगे की कैसे आप इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आई बी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की फिर हम बात कर लेंगे की आखिर आप इस मूवी को घर बैठे कैसे से इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों अगर हम बात करें आई वी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की तो इसमें हम सब के फेवरेट विद्युत जामवाल जिनकी खुदा हाफिज चैप्टर वन और चैप्टर टू मूवी तो आपने जरूर देखी होगी उसी के साथ दोस्तों दिलीप थाहिल शहीद रहमान निहारिका और विशाल जेठवा भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह विद्युत जामवाल के बहुत बड़े फैन है और उनकी मूवी देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करते तो इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जरूर ऐसी बताइएगा और दोस्तों आप में से किन लोगों ने विद्युत जामवाल की खुदा हाफिज चैप्टर टू और चैप्टर वन मूवी देखी है हमें कमेंट करते हुए जरूर से बताइएगा संकल्प रेड्डी की डायरेक्शन में बनने वाली ये एक, एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसकी अगर रेटिंग की बात करें तो आई एम डीबी आरोप और एटी गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है दोस्तों आई मूवी की कहानी काफी ज्यादा रोमांचक है जो दर्शकों को बांध पाने में काफी हद तक सक्षम हो जाती है दोस्तों आई बी सेवेंटी वन आदित्य शास्त्री द्वारा लिखी गई कहानी पर संकल्प रेड्डी द्वारा निर्देशित की गई एक फिल्म है दोस्तों आप लोगों को जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है कि ये मूवी इंडो पाकिस्तानी वॉर जो कि 1971 में हुआ था उस पर बेस्ड है और किस तरह से इंडियन फौज ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा था दोस्तों अगर आप एक हिस्टोरिकल मूवी देखना चाहते हैं तो मैं तो कहूंगा आपको एक बार से ये मूवी जरूर से देख लेनी चाहिए अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे की आखिर यह मूवी आपको कहाँ देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए खुशी की बात यह है की इस मूवी को और टीटी पर रिलीज कर दिया गया है आप चाहे तो इस मूवी को घर बैठे ही डिजनी प्लस हॉटस्टार पर इंजॉय कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में नई मूवी के साथ अब तक आप आई बी सेवेंटी वन मूवी को एंजॉय कर लीजिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद हेलो नमस्कार दोस्तों अगर आप भी आई बी सेवेंटी वन मूवी देखना चाहते हैं लेकिन आई बी सेवेंटी वन मूवी आपको कहीं देखने को नहीं मिल रही और दोस्तों आप कंफ्यूज हैं कि आखिर यह मूवी आपको कहां देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आई बी सेवेंटी वन मूवी के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले है और दोस्तों हम बात करेंगे की कैसे आप इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आई बी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की फिर हम बात कर लेंगे की आखिर आप इस मूवी को घर बैठे कैसे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों अगर हम बात करें आई वी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की तो इसमें हम सब के फेवरेट विद्युत जिनकी खुदा हाफिज चैप्टर वन और चैप्टर टू मूवी तो आपने जरूर देखी होगी उसी के साथ दोस्तों दिलीप थाहिल था निहारिका और विशाल जेठवा भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह विद्युत जामवाल के बहुत बड़े फैन है और उनकी मूवी देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करते तो इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जरूर ऐसी बताइएगा और दोस्तों आप में से किन लोगों ने विद्युत जामवाल की खुदा हाफिज चैप्टर टू और चैप्टर वन मूवी ही है हमें कमेंट करते हुए जरूर से बताइएगा संकल्प रेड्डी की डायरेक्शन में बनने वाली ये एक, एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसकी अगर रेटिंग की बात करें तो आई एम यूजर ने इसे पसंद भी किया है दोस्तों आई बी सेवेंटी वन मूवी की कहानी काफी ज्यादा रोमांचक है जो दर्शकों को बांध पाने में काफी हद तक सक्षम हो जाती है दोस्तों आई बी सेवेंटी वन आदित्य शास्त्री द्वारा लिखी गई कहानी पर संकल्प रेड्डी द्वारा निर्देशित की गई एक फिल्म है दोस्तों आप लोगों को जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है कि ये मूवी इंडो पार्टी पाकिस्तानी वॉर जो कि 1971 में हुआ था उस पर बेस्ड है और किस तरह से इंडियन फोज ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा था दोस्तों अगर आप एक हिस्टोरिकल मूवी देखना चाहते हैं तो मैं तो कहूंगा आपको एक बार से ये मूवी जरूर से देख लेनी चाहिए अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे की आखिर यह मूवी आपको कहाँ देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप सभी लोगो के लिए खुशी की बात यह है कि इस मूवी को रिलीज कर दिया गया है आप चाहे तो इस मूवी को घर बैठे ही डिजनी प्लस होस्टार पर इंजॉय कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में नई मूवी के साथ तब तक आप आईबी सेवेंटी वन मूवी को एंजॉय कर लीजिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद हेलो नमस्कार दोस्तों अगर आप भी आई बी सेवेंटी वन मूवी देखना चाहते हैं लेकिन आई बी सेवेंटी वन मूवी आपको कहीं देखने को नहीं मिल रही और दोस्तों आप कंफ्यूज हैं कि आखिर यह मूवी आपको कहां देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आई बी सेवेंटी के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले है और दोस्तों हम बात करेंगे की कैसे आप इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आई बी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की फिर हम बात कर लेंगे की आखिर आप इस मूवी को घर बैठे ऐसी इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों अगर हम बात करें आई वी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की तो इसमें हम सब के फेवरेट विद्युत जामवाल जिनकी खुदा हाफिज चैप्टर वन और चैप्टर टू मूवी तो आपने जरूर देखी होगी उसी के साथ दोस्तों दिलीप थाहिल शहीद रहमान निहारिका और विशाल जेठवा भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह विद्युत जामवाल के बहुत बड़े फैन है और उनकी मूवी देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करते तो इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जरूर ऐसी बताइएगा और दोस्तों आप में से किन लोगों ने विद्युत जामवाल की खुदा हाफिज चैप्टर टू और चैप्टर वन मूवी देखी है हमें कमेंट करते हुए जरूर से बताइएगा संकल्प रेड्डी की डायरेक्शन में बनने वाली ये एक, एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसकी अगर रेटिंग की बात करें तो आई एम डीबी आरोप और एटी थ्री परसेंट गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है दोस्तों आई बी सेवेंटी वन मूवी की कहानी काफी ज्यादा रोमांचक है जो दर्शकों को बांध पाने में काफी हद तक सक्षम हो जाती है दोस्तों आई बी सेवेंटी वन आदित्य शास्त्री द्वारा लिखी गई कहानी पर संकल्प रेड्डी द्वारा निर्देशित की गई एक फिल्म है दोस्तों आप लोगों को जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है कि ये मूवी इंडो पार्टी पाकिस्तानी वॉर जो कि 1971 में हुआ था उस पर बेस्ड है और किस तरह से इंडियन फोज ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा था दोस्तों अगर आप एक हिस्टोरिकल मूवी देखना चाहते हैं तो मैं तो कहूंगा आपको एक बार से ये मूवी जरूर से देख लेनी चाहिए अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे की आखिर यह मूवी आपको कहाँ देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए खुशी की बात यह है की इस मूवी को पर कर दिया गया है आप चाहे तो इस मूवी को घर बैठे ही डिजनी प्लस हॉटस्टार पर इंजॉय कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में नई मूवी के साथ अब तक आप आई बी मूवी को एंजॉय कर लीजिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद हेलो नमस्कार दोस्तों अगर आप भी आई बी सेवेंटी वन मूवी देखना चाहते हैं लेकिन आई बी सेवेंटी वन मूवी आपको कहीं देखने को नहीं मिल रही और दोस्तों आप कंफ्यूज हैं कि आखिर यह मूवी आपको कहां देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आई बी सेवेंटी वन मूवी के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले है और दोस्तों हम बात करेंगे की कैसे आप इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आई बी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की फिर हम बात कर लेंगे की आखिर आप इस मूवी को घर बैठे कैसे से इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों अगर हम बात करें आई वी मूवी के कास्ट की तो इसमें हम सब के फेवरेट विदुत जामवाल जिनकी खुदा हाफिज चैप्टर वन और चैप्टर टू मूवी तो आपने जरूर देखी होगी उसी के साथ दोस्तों दिलीप थाहिल शहीद रहमान निहारिका और विशाल जेठवा भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह विदुत जामवाल के बहुत बड़े फैन हैं और उनकी मूवी देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करते तो इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जरूर से बताइएगा और दोस्तों आप में से किन लोगों ने विदुत जावाल की खुदा हाफिज चैप्टर टू और चैप्टर वन मूवी देखी है हमें कमेंट करते हुए जरूर से बताइएगा संकल्प रेड्डी की डायरेक्शन में बनने वाली ये एक, एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसकी अगर रेटिंग की बात करें तो आई एम डीबी सेवन पॉइंट टू और एटी थ्री परसेंट गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है दोस्तों आई बी सेवेंटी वन मूवी की कहानी काफी ज्यादा रोमांचक है जो दर्शकों को बांध पाने में काफी हद तक सक्षम हो जाती है दोस्तों आई बी सेवेंटी वन आदित्य शास्त्री द्वारा लिखी गई कहानी पर संकल्प रेड्डी द्वारा निर्देशित की गई एक फिल्म है दोस्तों आप लोगों को जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है कि ये मूवी इंडो पाकि पाकिस्तानी वॉर जो कि 1971 में हुआ था उस पर बेस्ड है और किस तरह से इंडियन फौज ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा था दोस्तों अगर आप एक हिस्टोरिकल मूवी देखना चाहते हैं तो मैं तो कहूंगा आपको एक बार से ये मूवी जरूर से देख लेनी चाहिए अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे की आखिर यह मूवी आपको कहाँ देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि इस मूवी को टी टी आरोप रिलीज कर दिया गया है आप चाहे तो इस मूवी को घर बैठे ही डिजनी प्लस हॉटस्टार पर इंजॉय कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में नई मूवी के साथ तब तक आप आई बी सेवेंटी वन मूवी को एंजॉय कर लीजिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद हेलो नमस्कार दोस्तों अगर आप भी आई बी सेवेंटी वन मूवी देखना चाहते हैं लेकिन आई बी सेवेंटी वन मूवी आपको कहीं देखने को नहीं मिल रही और दोस्तों आप कंफ्यूज हैं कि आखिर यह मूवी आपको कहां देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आई बी सेवेंटी वन मूवी के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं और दोस्तों हम बात करेंगे की कैसे आप इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू कर ले हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आई वी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की फिर हम बात कर लेंगे कि आखिर आप इस मूवी को घर बैठे कैसे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों अगर हम बात करें आई बी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की तो इसमें हम सब के फेवरेट विद्युत जामवाल जिनकी खुदा हाफिज चैप्टर वन और चैप्टर टू मूवी तो आपने जरूर देखी होगी उसी के साथ दोस्तों दिलीप थाहिल शहीद रहमान निहारिका और विशाल जेठवा भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह विदुत जामवाल के बहुत बड़े फैन है और उनकी मूवी देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करते तो इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जरूर से बताइएगा और दोस्तों आप में से किन लोगों ने विद्युत जामवाल की खुदा हाफिज चैप्टर टू और चैप्टर वन मूवी देखी है हमें कमेंट करते हुए जरूर से बताइएगा संकल्प रेडी की डायरेक्शन में बनने वाली ये एक, एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसकी अगर रेटिंग की बात करें तो आई एम डीबी आरोप सेवन और एटी गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है दोस्तों आई बी मूवी की कहानी काफी ज्यादा रोमांचक है जो दर्शकों को बांध पाने में काफी हद तक सक्षम हो जाती है दोस्तों आई बी आदित्य शास्त्री द्वारा लिखी गई कहानी पर संकल्प रेड्डी द्वारा निर्देशित की गई एक फिल्म है दोस्तों आप लोगों को जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है कि ये मूवी इंडो पाकिस्तानी वॉर जो कि 1971 में हुआ था उस पर बेस्ड है और किस तरह से इंडियन फौज ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा था दोस्तों अगर आप एक हिस्टोरिकल मूवी देखना चाहते है तो मैं तो कहूंगा आपको एक बार ऐसी ये मूवी जरूर ऐसी देख लेनी चाहिए अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे की आखिर यह मूवी आपको कहाँ देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि इस मूवी को भी रिलीज कर दिया गया है आप चाहे तो इस को घर बैठे ही डिजनी प्लस होटस्ट पर एंजॉय कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में नई मूवी के साथ तब तक आप आई बी सेवेंटी वन मूवी को इंजॉय कर लीजिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद हेलो नमस्कार दोस्तों अगर आप भी आई बी सेवेंटी वन मूवी देखना चाहते हैं लेकिन आई बी सेवेंटी वन मूवी आपको कहीं देखने को नहीं मिल रही और दोस्तों आप कंफ्यूज हैं कि आखिर यह मूवी आपको कहां देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आई बी सेवेंटी वन मूवी के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं और दोस्तों हम बात करेंगे कि कैसे आप इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आई बी मूवी के कास्ट की फिर हम बात कर लेंगे की आखिर आप इस मूवी को घर बैठे कैसे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों अगर हम बात करें आई बी मूवी के कास्ट की तो इसमें हम सब फेवरेट विदु जामवाल जिनकी खुदा हाफिज चैप्टर वन और चैप्टर टू मूवी तो आपने जरूर देखी होगी उसी के साथ दोस्तों दिलीप थाहिल शहीदुर रहमान निहारिका और विशाल जेठवा भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह विद्युत जामवाल के बहुत बड़े फैन है और उनकी मूवी देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करते तो इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जरूर ऐसी बताइएगा और दोस्तों आप में से किन लोगों ने विद्युत जामवाल की खुदा हाफिस चैप्टर टू और चैप्टर वन मूवी देखी है हमें कमेंट करते हुए जरूर ऐसी बताइएगा संकल्प रेड्डी की डायरेक्शन में बनने वाली ये एक, एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसकी अगर रेटिंग की बात करें तो आई एम डीबी सेवन पॉइंट टू और एटी थ्री परसेंट गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है दोस्तों आई बी सेवेंटी वन मूवी की कहानी काफी ज्यादा रोमांचक है जो दर्शकों को बांध पाने में काफी हद तक सक्षम हो जाती है दोस्तों आई बी सेवेंटी वन आदित्य शास्त्री द्वारा लिखी गई कहानी पर संकल्प रेड्डी द्वारा निर्देशित की गई एक फिल्म है दोस्तों आप लोगों को जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है कि ये मूवी इंडो पाकिस्तानी वॉर जो कि 1971 में हुआ था उस पर बेस्ड है और किस तरह से इंडियन फौज ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा था दोस्तों अगर आप एक हिस्टोरिकल मूवी देखना चाहते है तो मैं तो कहूँगा आपको एक बार ऐसी ये मूवी जरूर ऐसी देख लेनी चाहिए अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे की आखिर यह मूवी को कहा देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए खुशी की बात यह है की टी टी पर रिलीज कर दिया गया है आप चाहे तो इस मूवी को घर बैठे ही डिजनी प्लस हो स्टार पर एंजॉय कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में नई मूवी के साथ आई बी सेवेंटी वन मूवी को इंजॉय कर लीजिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद हेलो नमस्कार दोस्तों अगर आप भी आई बी मूवी देखना चाहते हैं लेकिन आई बी मूवी आपको कहीं देखने को नहीं मिल रही और दोस्तों आप कंफ्यूज हैं कि आखिर यह मूवी आपको कहां देख को मिलने वाली है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आई बी सेवेंटी वन मूवी के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं और दोस्तों हम बात करेंगे कि कैसे आप इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आई बी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की फिर हम बात कर लेंगे की आखिर आप इस मूवी को घर बैठे कैसे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों अगर हम बात करें आई बी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की तो इसमें हम सब के फेवरेट विदु जामवाल जिनकी खुदा हाफिज चैप्टर वन और चैप्टर टू मूवी तो आपने जरूर देखी होगी उसी के साथ दोस्तों दिलीप थाहिल शहीद रहमान निहारिका और विशाल जेठवा भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह विद्युत जामवाल के बहुत बड़े फैन है और उनकी मूवी देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करते तो इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जरूर ऐसी बताइएगा और दोस्तों आप में से किन लोगों ने विद्युत जामवाल की खुदा हाफिस चैप्टर टू और चैप्टर वन मूवी देखी है हमें कमेंट करते हुए जरूर ऐसी बताइएगा संकल्प रेड्डी की डायरेक्शन में बनने वाली ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसकी अगर रेटिंग की बात करें तो आई एम डी बी सेवन पॉइंट और 83 परसेंट गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है दोस्तों आई बी मूवी की कहानी काफी ज्यादा रोमांचक है जो दर्शकों को बांध पाने में काफी हद तक सक्षम हो जाती है दोस्तों आई बी आदित्य शास्त्री द्वारा लिखी गई कहानी पर संकल्प रेड्डी द्वारा निर्देशित की गई एक फिल्म है दोस्तों आप लोगों को जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है कि ये मूवी इंडो पाकिस्तानी वॉर जो कि 1971 में हुआ था उस पर बेस्ड है और किस तरह से इंडियन फोज ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा था दोस्तों अगर आप एक हिस्टोरिकल मूवी देखना चाहते हैं तो मैं तो कहूंगा आपको एक बार से यह मूवी जरूर से देख लेनी चाहिए अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे कि आखिर यह मूवी आपको कहां देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि इस मूवी को की रिलीज कर दिया गया है आप चाहे तो इस मूवी को घर बैठे ही डिजनी प्लस हो स्टार आरोप इंजॉय कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में नई मूवी के साथ तब तक आप आई बी सेवेंटी वन मूवी को इंजॉय कर लीजिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद हेलो नमस्कार दोस्तों अगर आप भी आई बी सेवेंटी वन मूवी देखना चाहते हैं लेकिन आई बी सेवेंटी वन मूवी आपको कहीं देखने को नहीं मिल रही और दोस्तों आप कंफ्यूज हैं कि आखिर यह मूवी आपको कहां देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आई बी सेवेंटी के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले है और दोस्तों हम बात करेंगे की कैसे आप इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आई बी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की फिर हम बात कर लेंगे की आखिर आप इस मूवी को घर बैठे कैसे ऐसी इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों अगर हम बात करें आई वी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की तो इसमें हम सब के फेवरेट विद्युत जामवाल जिनकी खुदा हाफिज चैप्टर वन और चैप्टर टू मूवी तो आपने जरूर देखी होगी उसी के साथ दोस्तों दिलीप थाहिल शाहीदुर रहमान निहारिका और विशाल जेठवा भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह विद्युत जामवाल के बहुत बड़े फैन है और उनकी मूवी देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करते तो इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जरूर ऐसी बताइएगा और दोस्तों आप में से किन लोगों ने विद्युत जामवाल की खुदा हाफिज चैप्टर टू और चैप्टर वन मूवी देखी है हमें कमेंट करते हुए जरूर से बताइएगा संकल्प रेड्डी की डायरेक्शन में बनने वाली ये एक, एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसकी अगर रेटिंग की बात करें तो आई एम डीबी आरोप और एटी थ्री परसेंट गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है दोस्तों आई बी सेवेंटी वन मूवी की कहानी काफी ज्यादा रोमांचक है जो दर्शकों को बांध पाने में काफी हद तक सक्षम हो जाती है दोस्तों आई बी सेवेंटी वन आदित्य शास्त्री द्वारा लिखी गई कहानी पर संकल्प रेड्डी द्वारा निर्देशित की गई एक फिल्म है दोस्तों आप लोगों को जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है कि ये मूवी इंडो पार्टी पाकिस्तानी वॉर जो कि 1971 में हुआ था उस पर बेस्ड है और किस तरह से इंडियन फोज ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा था दोस्तों अगर आप एक हिस्टोरिकल मूवी देखना चाहते हैं तो मैं तो कहूंगा आपको एक बार से ये मूवी जरूर से देख लेनी चाहिए अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे की आखिर यह मूवी आपको कहाँ देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए खुशी की बात यह है की इस मूवी को पर रिलीज कर दिया गया है आप चाहे तो इस मूवी को घर बैठे ही डिजनी प्लस हॉटस्टार पर इंजॉय कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में नई मूवी के साथ तब तक आप आई बी मूवी को एंजॉय कर लीजिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद हेलो नमस्कार दोस्तों अगर आप भी आई बी सेवेंटी वन मूवी देखना चाहते हैं लेकिन आई बी सेवेंटी वन मूवी आपको कहीं देखने को नहीं मिल रही और दोस्तों आप कंफ्यूज हैं कि आखिर यह मूवी आपको कहां देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आई बी सेवेंटी वन मूवी के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले है और दोस्तों हम बात करेंगे की कैसे आप इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आई बी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की फिर हम बात कर लेंगे की आखिर आप इस मूवी को घर बैठे कैसे से इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों अगर हम बात करें आई वी मूवी के कास्ट की तो इसमें हम सब के फेवरेट विदुत जामवाल जिनकी खुदा हाफिज चैप्टर वन और चैप्टर टू मूवी तो आपने जरूर देखी होगी उसी के साथ दोस्तों दिलीप थाहिल शहीद रहमान निहारिका और विशाल जेठवा भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह विदुत जामवाल के बहुत बड़े फैन हैं और उनकी मूवी देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करते तो इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जरूर से बताइएगा और दोस्तों आप में से किन लोगों ने विदुत जावाल की खुदा हाफिज चैप्टर टू और चैप्टर वन मूवी देखी है हमें कमेंट करते हुए जरूर से बताइएगा संकल्प रेड्डी की डायरेक्शन में बनने वाली ये एक, एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसकी अगर रेटिंग की बात करें तो आई एम डीबी पर इसे पॉइंट और एटी थ्री परसेंट गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है दोस्तों आई बी सेवेंटी वन मूवी की कहानी काफी ज्यादा रोमांचक है जो दर्शकों को बांध पाने में काफी हद तक सक्षम हो जाती है दोस्तों आई बी सेवेंटी वन आदित्य शास्त्री द्वारा लिखी गई कहानी पर संकल्प रेड्डी द्वारा निर्देशित की गई एक फिल्म है दोस्तों आप लोगों को जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है कि ये मूवी इंडो पाकि पाकिस्तानी वॉर जो कि 1971 में हुआ था उस पर बेस्ड है और किस तरह से इंडियन फोज ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा था दोस्तों अगर आप एक हिस्टोरिकल मूवी देखना चाहते हैं तो मैं तो कहूंगा आपको एक बार से ये मूवी जरूर से देख लेनी चाहिए अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे की आखिर यह मूवी आपको कहाँ देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि इस मूवी को और टीटी पर रिलीज कर दिया गया है आप चाहे तो इस मूवी को घर बैठे ही डिजनी प्लस हॉटस्टार पर इंजॉय कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में नई मूवी के साथ तब तक आप आई बी सेवेंटी वन मूवी को एंजॉय कर लीजिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद हेलो नमस्कार दोस्तों अगर आप भी आई बी सेवेंटी वन मूवी देखना चाहते हैं लेकिन आई बी सेवेंटी वन मूवी आपको कहीं देखने को नहीं मिल रही और दोस्तों आप कंफ्यूज हैं कि आखिर यह मूवी आपको कहां देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आई बी सेवेंटी वन मूवी के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले है और दोस्तों हम बात करेंगे की कैसे आप इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आई बी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की फिर हम बात कर लेंगे की आखिर आप इस मूवी को घर बैठे कैसे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों अगर हम बात करें आईवी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की तो इसमें हम सब के फेवरेट विद्युत जामवाल जिनकी खुदा हाफिज चैप्टर वन और चैप्टर टू मूवी तो आपने जरूर देखी होगी उसी के साथ दोस्तों दिलीप थाहिल शहीद निहारिका और विशाल जेठवा भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह विद्युत जामवाल के बहुत बड़े फैन है और उनकी मूवी देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करते तो इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जरूर ऐसी बताइएगा और दोस्तों आप में से किन लोगों ने विद्युत जामवाल की खुदा हाफिज चैप्टर टू और चैप्टर वन मूवी देखी है हमें कमेंट करते हुए जरूर से बताइएगा संकल्प रेड्डी की डायरेक्शन में बनने वाली ये एक, एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसकी अगर रेटिंग की बात करें तो आई एम डीबी आरोप सेवन पॉइंट टू और एटी थ्री परसेंट गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है दोस्तों आई बी सेवेंटी वन मूवी की कहानी काफी ज्यादा रोमांचक है जो दर्शकों को बांध पाने में काफी हद तक सक्षम हो जाती है दोस्तों आई बी सेवेंटी वन आदित्य शास्त्री द्वारा लिखी गई कहानी पर संकल्प रेड्डी द्वारा निर्देशित की गई एक फिल्म है दोस्तों आप लोगों को जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है कि ये मूवी इंडो पार्टी पाकिस्तानी वॉर जो कि 1971 में हुआ था उस पर बेस्ड है और किस तरह से इंडियन फोज ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा था दोस्तों अगर आप एक हिस्टोरिकल मूवी देखना चाहते हैं तो मैं तो कहूंगा आपको एक बार से ये मूवी जरूर से देख लेनी चाहिए अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे की आखिर यह मूवी आपको कहाँ देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए खुशी की बात यह है की इस मूवी मुटी आरोप भी रिलीज कर दिया गया है आप चाहे तो इस मूवी को घर बैठे ही डिजनी प्लस हॉटस्टार पर इंजॉय कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में नई मूवी के साथ तब तक आप आई बी सेवेंटी वन मूवी को एंजॉय कर लीजिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद हेलो नमस्कार दोस्तों अगर आप भी आई बी सेवेंटी वन मूवी देखना चाहते हैं लेकिन आई बी सेवेंटी वन मूवी आपको कहीं देखने को नहीं मिल रही और दोस्तों आप कंफ्यूज हैं कि आखिर यह मूवी आपको कहां देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आई बी सेवेंटी वन मूवी के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले है और दोस्तों हम बात करेंगे की कैसे आप इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आई बी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की फिर हम बात कर लेंगे की आखिर आप इस मूवी को घर बैठे कैसे से इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों अगर हम बात करें आई वी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की तो इसमें हम सब के फेवरेट विद्युत जामवाल जिनकी खुदा हाफिज चैप्टर वन और चैप्टर टू मूवी तो आपने जरूर देखी होगी उसी के साथ दोस्तों दिलीप थाहिल शहीद रहमान निहारिका और विशाल जेठवा भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह विद्युत जामवाल के बहुत बड़े फैन है और उनकी मूवी देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करते तो इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जरूर ऐसी बताइएगा और दोस्तों आप में से किन लोगों ने विद्युत जामवाल की खुदा हाफिज चैप्टर टू और चैप्टर वन मूवी देखी है हमें कमेंट करते हुए जरूर से बताइएगा संकल्प रेड्डी की डायरेक्शन में बनने वाली ये एक, एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसकी अगर रेटिंग की बात करें तो आई एम डीबी आरोप सेवन पॉइंट टू और एटी थ्री परसेंट गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है दोस्तों आई बी सेवेंटी वन मूवी की कहानी काफी ज्यादा रोमांचक है जो दर्शकों को बांध पाने में काफी हद तक सक्षम हो जाती है दोस्तों आई बी सेवेंटी वन आदित्य शास्त्री द्वारा लिखी गई कहानी पर संकल्प रेड्डी द्वारा निर्देशित की गई एक फिल्म है दोस्तों आप लोगों को जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है कि ये मूवी इंडो पाकि पाकिस्तानी वॉर जो कि 1971 में हुआ था उस पर बेस्ड है और किस तरह से इंडियन फौज ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा था दोस्तों अगर आप एक हिस्टोरिकल मूवी देखना चाहते हैं तो मैं तो कहूंगा आपको एक बार से यह मूवी जरूर से देख लेनी चाहिए अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे की आखिर यह मूवी आपको कहाँ देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए खुशी की बात यह है की इस मूवी को और टीटी पर रिलीज कर दिया गया है आप चाहे तो इस मूवी को घर बैठे ही डिजनी प्लस हॉटस्टार पर इंजॉय कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में नई मूवी के साथ अब तक आप आई बी सेवेंटी वन मूवी को एंजॉय कर लीजिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद हेलो नमस्कार दोस्तों अगर आप भी आई बी सेवेंटी वन मूवी देखना चाहते हैं लेकिन आई बी सेवेंटी वन मूवी आपको कहीं देखने को नहीं मिल रही और दोस्तों आप कंफ्यूज हैं कि आखिर यह मूवी आपको कहां देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आई बी सेवेंटी वन मूवी के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले है और दोस्तों हम बात करेंगे की कैसे आप इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आई बी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की फिर हम बात कर लेंगे की आखिर आप इस मूवी को घर बैठे कैसे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों अगर हम बात करें आई वी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की तो इसमें हम सब के फेवरेट विद्युत जिनकी खुदा हाफिज चैप्टर वन और चैप्टर टू मूवी तो आपने जरूर देखी होगी उसी के साथ दोस्तों दिलीप थाहिल था निहारिका और विशाल जेठवा भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह विद्युत जामवाल के बहुत बड़े फैन है और उनकी मूवी देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करते तो इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जरूर ऐसी बताइएगा और दोस्तों आप में से किन लोगों ने विद्युत जामवाल की खुदा हाफिज चैप्टर टू और चैप्टर वन मूवी देखी है हमें कमेंट करते हुए जरूर से बताइएगा संकल्प रेड्डी की डायरेक्शन में बनने वाली ये एक, एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसकी अगर रेटिंग की बात करें तो आई एम यूजर ने इसे पसंद भी किया है दोस्तों आई बी सेवेंटी वन मूवी की कहानी काफी ज्यादा रोमांचक है जो दर्शकों को बांध पाने में काफी हद तक सक्षम हो जाती है दोस्तों आई बी सेवेंटी वन आदित्य शास्त्री द्वारा लिखी गई कहानी पर संकल्प रेड्डी द्वारा निर्देशित की गई एक फिल्म है दोस्तों आप लोगों को जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है कि ये मूवी इंडो पाकि वॉर जो कि 1971 में हुआ था उस पर बेस्ड है और किस तरह से इंडियन फौज ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा था दोस्तों अगर आप एक हिस्टोरिकल मूवी देखना चाहते हैं तो मैं तो कहूंगा आपको एक बार से ये मूवी जरूर से देख लेनी चाहिए अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे की आखिर यह मूवी आपको कहाँ देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप सभी लोगो के लिए खुशी की बात यह है की इस मूवी मुटी आरोप भी रिलीज कर दिया गया है आप चाहे तो इस मूवी को घर बैठे ही डिजनी प्लस होटस्ट पर एंजॉय कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में नई मूवी के साथ तब तक आप आई बी सेवेंटी वन मूवी को एंजॉय कर लीजिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद हेलो नमस्कार दोस्तों अगर आप भी आई बी सेवेंटी वन मूवी देखना चाहते हैं लेकिन आई बी सेवेंटी वन मूवी आपको कहीं देखने को नहीं मिल रही और दोस्तों आप कंफ्यूज हैं कि आखिर यह मूवी आपको कहां देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आई बी सेवेंटी वन मूवी के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले है और दोस्तों हम बात करेंगे की कैसे आप इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू कर ले लेते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आई वी मूवी के कास्ट की फिर हम बात कर लेंगे की आखिर आप इस मूवी को घर बैठे कैसे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों अगर हम बात करें आई वी मूवी के कास्ट की तो इसमें हम सब फेवरेट विद्युत जामवाल जिनकी खुदा हाफिज चैप्टर वन और चैप्टर टू मूवी तो आपने जरूर देखी होगी उसी के साथ दोस्तों दिलीप थाहिल शहीद रहमान निहारिका और विशाल जेठवा भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह विद्युत जामवाल के बहुत बड़े फैन हैं और उनकी मूवी देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करते तो इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जरूर से बताइएगा और दोस्तों आप में से किन लोगों ने विद्युत जामवाल की खुदा हाफिज चैप्टर टू और चैप्टर वन मूवी देखी है हमें कमेंट करते हुए जरूर से बताइएगा संकल्प रेडी की डायरेक्शन में बनने वाली ये एक, एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसकी अगर रेटिंग की बात करें तो आई एम डीबी आरोप और एटी गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है दोस्तों आई बी मूवी की कहानी काफी ज्यादा रोमांचक है जो दर्शकों को बांध पाने में काफी हद तक सक्षम हो जाती है दोस्तों आई बी आदित्य शास्त्री द्वारा लिखी गई कहानी पर संकल्प रेड्डी द्वारा निर्देशित की गई एक फिल्म है दोस्तों आप लोगों को जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है कि ये मूवी इंडो पाकिस्तानी वॉर जो कि 1971 में हुआ था उस पर बेस्ड है और किस तरह से इंडियन फोज ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा था दोस्तों अगर आप एक हिस्टोरिकल मूवी देखना चाहते है तो मैं तो कहूँगा आपको एक बार ऐसी ये मूवी जरूर ऐसी देख लेनी चाहिए अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे की आखिर यह मूवी आपको कहाँ देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए खुशी की बात यह है की इस मूवी को भी रिलीज कर दिया गया है आप चाहे तो इस को घर बैठे ही डिजनी प्लस हो स्टार पर एंजॉय कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में नई मूवी के साथ तब तक आई बी सेवेंटी को इंजॉय कर लीजिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद हेलो नमस्कार दोस्तों अगर आप भी आई बी सेवेंटी वन मूवी देखना चाहते हैं लेकिन आई बी सेवेंटी वन मूवी आपको कहीं देखने को नहीं मिल रही और दोस्तों आप कंफ्यूज हैं कि आखिर यह मूवी आपको कहां देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आई बी सेवेंटी वन मूवी के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं और दोस्तों हम बात करेंगे कि कैसे आप इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आई बी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की फिर हम बात कर लेंगे की आखिर आप इस मूवी को घर बैठे कैसे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों अगर हम बात करें आई बी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की तो इसमें हम सब के फेवरेट विदु जामवाल जिनकी खुदा हाफिज चैप्टर वन और चैप्टर टू मूवी तो आपने जरूर देखी होगी उसी के साथ दोस्तों दिलीप थाहिल शाहिदुर रहमान निहारिका और विशाल जेठवा भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह विद्युत जामवाल के बहुत बड़े फैन है और उनकी मूवी देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करते तो इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जरूर ऐसी बताइएगा और दोस्तों आप में से किन लोगों ने विद्युत जामवाल की खुदा हाफिज चैप्टर टू और चैप्टर वन मूवी देखी है हमें कमेंट करते हुए जरूर ऐसी बताइएगा संकल्प रेडी की डायरेक्शन में बनने वाली ये एक, एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसकी अगर रेटिंग की बात करें तो आई एम डीबी पर इसे सेवन पॉइंट टू और एटी थ्री परसेंट गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है दोस्तों आई बी सेवेंटी वन मूवी की कहानी काफी ज्यादा रोमांचक है जो दर्शकों को बांध पाने में काफी हद तक सक्षम हो जाती है दोस्तों आई बी सेवेंटी वन आदित्य शास्त्री द्वारा लिखी गई कहानी पर संकल्प रेड्डी द्वारा निर्देशित की गई एक फिल्म है दोस्तों आप लोगों को जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है की ये मूवी इंडो पाकिस्तानी वॉर जो की नाइनटीन में हुआ था उस पर बेस्ड है और किस तरह से इंडियन फौज ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा था दोस्तों अगर आप एक हिस्टोरिकल मूवी देखना चाहते है तो मैं तो कहूंगा आपको एक बार ऐसी ये मूवी जरूर ऐसी देख लेनी चाहिए अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे कि आखिर यह मूवी आपको कहाँ देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि इस मूवी को रिलीज कर दिया गया है आप चाहे तो इस मूवी को घर बैठे ही डिजनी प्लस हो स्टार पर एंजॉय कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में नई मूवी के साथ तब तक आप, आप मूवी को एंजॉय कर लीजिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद हेलो नमस्कार दोस्तों अगर आप भी आई बी सेवेंटी वन मूवी देखना चाहते हैं लेकिन आई बी सेवेंटी वन मूवी आपको कहीं देखने को नहीं मिल रही और दोस्तों आप कंफ्यूज हैं कि आखिर यह मूवी आपको कहा देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आई बी सेवेंटी वन मूवी के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं और दोस्तों हम बात करेंगे कि कैसे आप इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आई बी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की फिर हम बात कर लेंगे की आखिर आप इस मूवी को घर बैठे कैसे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों अगर हम बात करें आई बी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की तो इसमें हम सब के फेवरेट विदु जामवाल जिनकी खुदा हाफिज चैप्टर वन और चैप्टर टू मूवी तो आपने जरूर देखी होगी उसी के साथ दोस्तों दिलीप थाहिल शाहिदुरमान निहारिका और विशाल जेठवा भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह विद्युत के बहुत बड़े फैन है और उनकी मूवी देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करते तो इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जरूर ऐसी बताइएगा और दोस्तों आप में से किन लोगों ने विद्युत जामवाल की खुदा हाफिज चैप्टर टू और चैप्टर वन मूवी देखी है हमें कमेंट करते हुए जरूर ऐसी बताइएगा संकल्प रेडी की डायरेक्शन में बनने वाली ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसकी अगर रेटिंग की बात करें तो आई एम डी बी सेवन पॉइंट और 83 परसेंट गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है दोस्तों आई बी मूवी की कहानी काफी ज्यादा रोमांचक है जो दर्शकों को बांध पाने में काफी हद तक सक्षम हो जाती है दोस्तों आई बी आदित्य शास्त्री द्वारा लिखी गई कहानी पर संकल्प रेड्डी द्वारा निर्देशित की गई एक फिल्म है दोस्तों आप लोगों को जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है की ये मूवी इंडो पाकिस्तानी वॉर जो की नाइनटीन में हुआ था उस पर बेस्ड है और किस तरह से इंडियन फौज ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा था दोस्तों अगर आप एक हिस्टोरिकल मूवी देखना चाहते हैं तो मैं तो कहूंगा आपको एक बार से ये मूवी जरूर से देख लेनी चाहिए अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे कि आखिर यह मूवी आपको कहां देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि इस मूवी को ओटीटी पर आरोप भी कर दिया गया है आप चाहे तो इस मूवी को घर बैठे ही डिजनी प्लस हॉटस्टार पर एंजॉय कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में नई मूवी के साथ तब तक आप आई बी सेवेंटी वन मूवी को एंजॉय कर लीजिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद हेलो नमस्कार दोस्तों अगर आप भी आई बी सेवेंटी वन मूवी देखना चाहते हैं लेकिन आई बी सेवेंटी वन मूवी आपको कहीं देखने को नहीं मिल रही और दोस्तों आप कंफ्यूज हैं कि आखिर यह मूवी आपको कहां देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आई बी सेवेंटी वन मूवी के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले है और दोस्तों हम बात करेंगे की कैसे आप इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आई बी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की फिर हम बात कर लेंगे की आखिर आप इस मूवी को घर बैठे कैसे से इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों अगर हम बात करें आई वी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की तो इसमें हम सब के फेवरेट विदुत जामवाल जिनकी खुदा हाफिज चैप्टर वन और चैप्टर टू मूवी तो आपने जरूर देखी होगी उसी के साथ दोस्तों दिलीप थाहिल शहीद रहमान निहारिका और विशाल जेठवा भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह विद्युत जामवाल के बहुत बड़े फैन है और उनकी मूवी देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करते तो इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जरूर ऐसी बताइएगा और दोस्तों आप में से किन लोगों ने विद्युत जामवाल की खुदा हाफिज चैप्टर टू और चैप्टर वन मूवी देखी है हमें कमेंट करते हुए जरूर से बताइएगा संकल्प रेड्डी की डायरेक्शन में बनने वाली ये एक, एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसकी अगर रेटिंग की बात करें तो आई एम डीबी आरोप और एटी गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है दोस्तों आई बी मूवी की कहानी काफी ज्यादा रोमांचक है जो दर्शकों को बांध पाने में काफी हद तक सक्षम हो जाती है दोस्तों आई बी सेवेंटी वन आदित्य शास्त्री द्वारा लिखी गई कहानी पर संकल्प रेड्डी द्वारा निर्देशित की गई एक फिल्म है दोस्तों आप लोगों को जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है कि ये मूवी इंडो पाकिस्तानी वॉर जो कि 1971 में हुआ था उस पर बेस्ड है और किस तरह से इंडियन फौज ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा था दोस्तों अगर आप एक हिस्टोरिकल मूवी देखना चाहते हैं तो मैं तो कहूंगा आपको एक बार से ऐसी मूवी जरूर से देख लेनी चाहिए अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे की आखिर यह मूवी आपको कहाँ देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए खुशी की बात यह है की इस मूवी को और टीटी पर रिलीज कर दिया गया है आप चाहे तो इस मूवी को घर बैठे ही डिजनी प्लस हॉटस्टार पर इंजॉय कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में नई मूवी के साथ अब तक आप आईबी सेवेंटी वन मूवी को एंजॉय कर लीजिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद हेलो नमस्कार दोस्तों अगर आप भी आई बी सेवेंटी वन मूवी देखना चाहते हैं लेकिन आई बी सेवेंटी वन मूवी आपको कहीं देखने को नहीं मिल रही और दोस्तों आप कंफ्यूज हैं कि आखिर यह मूवी आपको कहां देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आई बी सेवेंटी वन मूवी के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले है और दोस्तों हम बात करेंगे की कैसे आप इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आई बी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की फिर हम बात कर लेंगे की आखिर आप इस मूवी को घर बैठे कैसे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों अगर हम बात करें आई वी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की तो इसमें हम सब के फेवरेट विद्युत जिनकी खुदा हाफिज चैप्टर वन और चैप्टर टू मूवी तो आपने जरूर देखी होगी उसी के साथ दोस्तों दिलीप थाहिल था निहारिका और विशाल जेठवा भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह विद्युत जामवाल के बहुत बड़े फैन है और उनकी मूवी देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करते तो इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जरूर ऐसी बताइएगा और दोस्तों आप में से किन लोगों ने विद्युत जामवाल की खुदा हाफिज चैप्टर टू और चैप्टर वन मूवी देखी है हमें कमेंट करते हुए जरूर से बताइएगा संकल्प रेड्डी की डायरेक्शन में बनने वाली ये एक, एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसकी अगर रेटिंग की बात करें तो आई एम यूजर ने इसे पसंद भी किया है दोस्तों आई बी सेवेंटी वन मूवी की कहानी काफी ज्यादा रोमांचक है जो दर्शकों को बांध पाने में काफी हद तक सक्षम हो जाती है दोस्तों आई बी सेवेंटी वन आदित्य शास्त्री द्वारा लिखी गई कहानी पर संकल्प रेड्डी द्वारा निर्देशित की गई एक फिल्म है दोस्तों आप लोगों को जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है की ये मूवी इंडो पाकिस्तानी वॉर जो कि 1971 में हुआ था उस पर बेस्ड है और किस तरह से इंडियन फोज ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा था दोस्तों अगर आप एक हिस्टोरिकल मूवी देखना चाहते हैं तो मैं तो कहूंगा आपको एक बार से ये मूवी जरूर से देख लेनी चाहिए अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे की आखिर यह मूवी आपको कहाँ देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप सभी लोगो के लिए खुशी की बात यह है की इस मूवी को टी टी रिलीज कर दिया गया है आप चाहे तो इस मूवी को घर बैठे ही डिजनी प्लस पर इंजॉय कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में नई मूवी के साथ तब तक आप आईबी सेवेंटी वन मूवी को एंजॉय कर लीजिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद हेलो नमस्कार दोस्तों अगर आप भी आई बी सेवेंटी वन मूवी देखना चाहते हैं लेकिन आई बी सेवेंटी वन मूवी आपको कहीं देखने को नहीं मिल रही और दोस्तों आप कंफ्यूज हैं कि आखिर यह मूवी आपको कहां देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आई बी सेवेंटी वन मूवी के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले है और दोस्तों हम बात करेंगे की कैसे आप इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आई बी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की फिर हम बात कर लेंगे की आखिर आप इस मूवी को घर बैठे कैसे ऐसी इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों अगर हम बात करें आई वी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की तो इसमें हम सब के फेवरेट विद्युत जामवाल जिनकी खुदा हाफिज चैप्टर वन और चैप्टर टू मूवी तो आपने जरूर देखी होगी उसी के साथ दोस्तों दिलीप थाहिल शहीद रहमान निहारिका और विशाल जेठवा भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह विद्युत जामवाल के बहुत बड़े फैन है और उनकी मूवी देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करते तो इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जरूर ऐसी बताइएगा और दोस्तों आप में से किन लोगों ने विद्युत जामवाल की खुदा हाफिज चैप्टर टू और चैप्टर वन मूवी देखी है हमें कमेंट करते हुए जरूर से बताइएगा संकल्प रेड्डी की डायरेक्शन में बनने वाली ये एक, एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसकी अगर रेटिंग की बात करें तो आई एम डीबी आरोप और एटी गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है दोस्तों आई बी मूवी की कहानी काफी ज्यादा रोमांचक है जो दर्शकों को बांध पाने में काफी हद तक सक्षम हो जाती है दोस्तों आई बी आदित्य शास्त्री द्वारा लिखी गई कहानी पर संकल्प रेड्डी द्वारा निर्देशित की गई एक फिल्म है दोस्तों आप लोगों को जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है कि ये मूवी इंडो पार्टी पाकिस्तानी वॉर जो कि 1971 में हुआ था उस पर बेस्ड है और किस तरह से इंडियन फोज ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा था दोस्तों अगर आप एक हिस्टोरिकल मूवी देखना चाहते हैं तो मैं तो कहूंगा आपको एक बार से ये मूवी जरूर से देख लेनी चाहिए अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे की आखिर यह मूवी आपको कहाँ देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि इस मूवी को टीवी रिलीज कर दिया गया है आप चाहे तो इस मूवी को घर बैठे ही डिजनी प्लस हॉटस्टार पर इंजॉय कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में नई मूवी के साथ अब तक आप आई बी सेवेंटी वन मूवी को एंजॉय कर लीजिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद हेलो नमस्कार दोस्तों अगर आप भी आई बी सेवेंटी वन मूवी देखना चाहते हैं लेकिन आई बी सेवेंटी वन मूवी आपको कहीं देखने को नहीं मिल रही और दोस्तों आप कंफ्यूज हैं कि आखिर यह मूवी आपको कहां देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आई बी सेवेंटी के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले है और दोस्तों हम बात करेंगे की कैसे आप इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आई बी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की फिर हम बात कर लेंगे की आखिर आप इस मूवी को घर बैठे कैसे से इन्जॉय कर सकते हैं तो दोस्तों अगर हम बात करें आई वी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की तो इसमें हम सब के फेवरेट विद्युत जामवाल जिनकी खुदा हाफिज चैप्टर वन और चैप्टर टू मूवी तो आपने जरूर देखी होगी उसी के साथ दोस्तों दिलीप थाहिल शहीद रहमान निहारिका और विशाल जेठवा भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह विदुत जामवाल के बहुत बड़े फैन है और उनकी मूवी देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करते तो इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जरूर ऐसी बताइएगा और दोस्तों आप में से किन लोगों ने विद्युत जामवाल की खुदा हाफिज चैप्टर टू और चैप्टर वन मूवी देखी है हमें कमेंट करते हुए जरूर से बताइएगा संकल्प रेड्डी की डायरेक्शन में बनने वाली ये एक, एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसकी अगर रेटिंग की बात करें तो आई एम डीबी से इसे पसंद भी किया है दोस्तों आई बी मूवी की कहानी काफी ज्यादा रोमांचक है जो दर्शकों को बांध पाने में काफी हद तक सक्षम हो जाती है दोस्तों आई बी आदित्य शास्त्री द्वारा लिखी गई कहानी पर संकल्प रेड्डी द्वारा निर्देशित की गई एक फिल्म है दोस्तों आप लोगों को जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है कि ये मूवी इंडो पाकिस्तानी वॉर जो कि 1971 में हुआ था उस पर बेस्ड है और किस तरह से इंडियन फौज ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा था दोस्तों अगर आप एक हिस्टोरिकल मूवी देखना चाहते हैं तो मैं तो कहूंगा आपको एक बार से ये मूवी जरूर से देख लेनी चाहिए अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे की आखिर यह मूवी आपको कहाँ देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए खुशी की बात यह है की इस मूवी को टीटी आरोप रिलीज कर दिया गया है आप चाहे तो इस मूवी को घर बैठे ही डिजनी प्लस हॉटस्टार पर इंजॉय कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में नई मूवी के साथ तब तक आप आई बी सेवेंटी वन मूवी को एंजॉय कर लीजिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद हेलो नमस्कार दोस्तों अगर आप भी आई बी सेवेंटी वन मूवी देखना चाहते हैं लेकिन आई बी सेवेंटी वन मूवी आपको कहीं देखने को नहीं मिल रही और दोस्तों आप कंफ्यूज हैं कि आखिर यह मूवी आपको कहां देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आई बी सेवेंटी वन मूवी के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले है और दोस्तों हम बात करेंगे की कैसे आप इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आई बी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की फिर हम बात कर लेंगे कि आखिर आप इस मूवी को घर बैठे कैसे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों अगर हम बात करें आई बी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की तो इसमें हम सब के फेवरेट विदुत जामवाल जिनकी खुदा हाफिज चैप्टर वन और चैप्टर टू मूवी तो आपने जरूर देखी होगी उसी के साथ दोस्तों दिलीप थाहिल शहीद रहमान निहारिका और विशाल जेठवा भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह विदुत जामवाल के बहुत बड़े फैन है और उनकी मूवी देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करते तो इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जरूर से बताइएगा और दोस्तों आप में से किन लोगों ने विद्युत जामवाल की खुदा हाफिज चैप्टर टू और चैप्टर वन मूवी देखी है हमें कमेंट करते हुए जरूर से बताइएगा संकल्प रेडी की डायरेक्शन में बनने वाली ये एक, एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसकी अगर रेटिंग की बात करें तो आई एम डीबी आरोप सेवन पॉइंट और एटी थ्री परसेंट गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है दोस्तों आई बी सेवेंटी वन मूवी की कहानी काफी ज्यादा रोमांचक है जो दर्शकों को बांध पाने में काफी हद तक सक्षम हो जाती है दोस्तों आई बी सेवेंटी वन आदित्य शास्त्री द्वारा लिखी गई कहानी पर संकल्प रेड्डी द्वारा निर्देशित की गई एक फिल्म है दोस्तों आप लोगों को जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है कि ये मूवी इंडो पाकिस्तानी वॉर जो कि 1971 में हुआ था उस पर बेस्ड है और किस तरह से इंडियन फौज ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा था दोस्तों अगर आप एक हिस्टोरिकल मूवी देखना चाहते है तो मैं तो कहूंगा आपको एक बार ऐसी ये मूवी जरूर ऐसी देख लेनी चाहिए अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे की आखिर यह मूवी आपको कहाँ देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि इस मूवी को टीटी पर भी रिलीज कर दिया गया है आप चाहें तो इस को घर बैठे ही डिजनी प्लस होस्टार पर एंजॉय कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में नई मूवी के साथ तब तक आई बी सेवेंटी को इंजॉय कर लीजिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद हेलो नमस्कार दोस्तों अगर आप भी आई बी सेवेंटी वन मूवी देखना चाहते हैं लेकिन आई बी सेवेंटी वन मूवी आपको कहीं देखने को नहीं मिल रही और दोस्तों आप कंफ्यूज हैं कि आखिर यह मूवी आपको कहां देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आई बी सेवेंटी वन मूवी के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं और दोस्तों हम बात करेंगे कि कैसे आप इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आई बी मूवी के कास्ट की फिर हम बात कर लेंगे की आखिर आप इस मूवी को घर बैठे कैसे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों अगर हम बात करें आई बी मूवी के कास्ट की तो इसमें हम सब फेवरेट विदु जामवाल जिनकी खुदा हाफिज चैप्टर वन और चैप्टर टू मूवी तो आपने जरूर देखी होगी उसी के साथ दोस्तों दिलीप थाहिल शहीदुर रहमान निहारिका और विशाल जेठवा भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगी दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह विद्युत जामवाल के बहुत बड़े फैन है और उनकी मूवी देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करते तो इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जरूर ऐसी बताइएगा और दोस्तों आप में से किन लोगों ने विद्युत जामवाल की खुदा हाफिस चैप्टर टू और चैप्टर वन मूवी देखी है हमें कमेंट करते हुए जरूर ऐसी बताइएगा संकल्प रेड्डी की डायरेक्शन में बनने वाली ये एक, एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसकी अगर रेटिंग की बात करें तो आईएमडीबी पर इसे 7.2 और 83 परसेंट गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है दोस्तों आई बी मूवी की कहानी काफी ज्यादा रोमांचक है जो दर्शकों को बांध पाने में काफी हद तक सक्षम हो जाती है दोस्तों आई बी सेवेंटी वन आदित्य शास्त्री द्वारा लिखी गई कहानी पर संकल्प रेड्डी द्वारा निर्देशित की गई एक फिल्म है दोस्तों आप लोगों को जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है कि ये मूवी इंडो पाकिस्तानी वॉर जो कि 1971 में हुआ था उस पर बेस्ड है और किस तरह से इंडियन फौज ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा था दोस्तों अगर आप एक हिस्टोरिकल मूवी देखना चाहते है तो मैं तो कहूंगा आपको एक बार ऐसी ये मूवी जरूर ऐसी देख लेनी चाहिए अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे की आखिर यह मूवी को कहा देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए खुशी की बात यह है की टी टी आरोप रिलीज कर दिया गया है आप चाहे तो इस मूवी को घर बैठे ही डिजनी प्लस हो स्टार पर एंजॉय कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में नई मूवी के साथ आई बी सेवेंटी वन मूवी को इंजॉय कर लीजिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद हेलो नमस्कार दोस्तों अगर आप भी आई बी सेवेंटी वन मूवी देखना चाहते हैं लेकिन आई बी सेवेंटी वन मूवी आपको कहीं देखने को नहीं मिल रही और दोस्तों आप कंफ्यूज हैं कि आखिर यह मूवी आपको कहां देख देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आई बी सेवेंटी वन मूवी के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं और दोस्तों हम बात करेंगे कि कैसे आप इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आई बी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की फिर हम बात कर लेंगे की आखिर आप इस मूवी को घर बैठे कैसे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों अगर हम बात करें आई बी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की तो इसमें हम सब के फेवरेट विदु जामवाल जिनकी खुदा हाफिज चैप्टर वन और चैप्टर टू मूवी तो आपने जरूर देखी होगी उसी के साथ दोस्तों दिलीप थाहिल शहीद रहमान निहारिका और विशाल जेठवा भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह विद्युत जमवाल के बहुत बड़े फैन है और उनकी मूवी देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करते तो इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जरूर ऐसी बताइएगा और दोस्तों आप में से किन लोगों ने विद्युत जामवाल की खुदा हाफिस चैप्टर टू और चैप्टर वन मूवी देखी है हमें कमेंट करते हुए जरूर ऐसी बताइएगा संकल्प रेड्डी की डायरेक्शन में बनने वाली ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसकी अगर रेटिंग की बात करें तो आई एम डी बी से पॉइंट और 83 परसेंट गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है दोस्तों आई बी मूवी की कहानी काफी ज्यादा रोमांचक है जो दर्शकों को बांध पाने में काफी हद तक सक्षम हो जाती है दोस्तों आई बी आदित्य शास्त्री द्वारा लिखी गई कहानी पर संकल्प रेड्डी द्वारा निर्देशित की गई एक फिल्म है दोस्तों आप लोगों को जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है कि ये मूवी इंडो पाकिस्तानी वॉर जो कि 1971 में हुआ था उस पर बेस्ड है और किस तरह से इंडियन फोज ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा था दोस्तों अगर आप एक हिस्टोरिकल मूवी देखना चाहते हैं तो मैं तो कहूंगा आपको एक बार से ये मूवी जरूर से देख लेनी चाहिए अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे कि आखिर यह मूवी आपको कहां देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि इस मूवी को की रिलीज कर दिया गया है आप चाहे तो इस मूवी को घर बैठे ही डिजनी प्लस हॉटस्टार पर आरोप इंजॉय कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में नई मूवी के साथ तब तक आप आई बी सेवेंटी वन मूवी को इंजॉय कर लीजिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद हेलो नमस्कार दोस्तों अगर आप भी आई बी सेवेंटी वन मूवी देखना चाहते हैं लेकिन आई बी सेवेंटी वन मूवी आपको कहीं देखने को नहीं मिल रही और दोस्तों आप कंफ्यूज हैं कि आखिर यह मूवी आपको कहां देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आई बी सेवेंटी वन मूवी के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले है और दोस्तों हम बात करेंगे की कैसे आप इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आई बी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की फिर हम बात कर लेंगे की आखिर आप इस मूवी को घर बैठे कैसे ऐसी इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों अगर हम बात करें आई वी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की तो इसमें हम सब के फेवरेट विद्युत जामवाल जिनकी खुदा हाफिज चैप्टर वन और चैप्टर टू मूवी तो आपने जरूर देखी होगी उसी के साथ दोस्तों दिलीप थाहिल शहीद रहमान निहारिका और विशाल जेठवा भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह विद्युत जामवाल के बहुत बड़े फैन है और उनकी मूवी देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करते तो इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जरूर ऐसी बताइएगा और दोस्तों आप में से किन लोगों ने विद्युत जामवाल की खुदा हाफिज चैप्टर टू और चैप्टर वन मूवी देखी है हमें कमेंट करते हुए जरूर से बताइएगा संकल्प रेड्डी की डायरेक्शन में बनने वाली ये एक, एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसकी अगर रेटिंग की बात करें तो आई एम डीबी आरोप और एटी गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है दोस्तों आई बी मूवी की कहानी काफी ज्यादा रोमांचक है जो दर्शकों को बांध पाने में काफी हद तक सक्षम हो जाती है दोस्तों आई बी आदित्य शास्त्री द्वारा लिखी गई कहानी पर संकल्प रेड्डी द्वारा निर्देशित की गई एक फिल्म है दोस्तों आप लोगों को जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है कि ये मूवी इंडो पार्टी पाकिस्तानी वॉर जो कि 1971 में हुआ था उस पर बेस्ड है और किस तरह से इंडियन फोज ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा था दोस्तों अगर आप एक हिस्टोरिकल मूवी देखना चाहते हैं तो मैं तो कहूंगा आपको एक बार से ये मूवी जरूर से देख लेनी चाहिए अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे की आखिर यह मूवी आपको कहाँ देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि इस मूवी को और टीटी पर भी कर दिया गया है आप चाहे तो इस मूवी को घर बैठे ही डिजनी प्लस हॉटस्टार पर इंजॉय कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में नई मूवी के साथ अब तक आप आई बी सेवेंटी वन मूवी को एंजॉय कर लीजिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद हेलो नमस्कार दोस्तों अगर आप भी आई बी सेवेंटी वन मूवी देखना चाहते हैं लेकिन आई बी सेवेंटी वन मूवी आपको कहीं देखने को नहीं मिल रही और दोस्तों आप कंफ्यूज हैं कि आखिर यह मूवी आपको कहां देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आई बी सेवेंटी वन मूवी के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले है और दोस्तों हम बात करेंगे की कैसे आप इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आई बी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की फिर हम बात कर लेंगे की आखिर आप इस मूवी को घर बैठे कैसे से इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों अगर हम बात करें आई वी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की तो इसमें हम सब के फेवरेट विद्युत जामवाल जिनकी खुदा हाफिज चैप्टर वन और चैप्टर टू मूवी तो आपने जरूर देखी होगी उसी के साथ दोस्तों दिलीप थाहिल शहीद रहमान निहारिका और विशाल जेठवा भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह विदुत जामवाल के बहुत बड़े फैन है और उनकी मूवी देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करते तो इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जरूर ऐसी बताइएगा और दोस्तों आप में से किन लोगों ने विद्युत जामवाल की खुदा हाफिज चैप्टर टू और चैप्टर वन मूवी देखी है हमें कमेंट करते हुए जरूर से बताइएगा संकल्प रेड्डी की डायरेक्शन में बनने वाली ये एक, एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसकी अगर रेटिंग की बात करें तो आई एम डीबी से इसे पसंद भी किया है दोस्तों आई बी मूवी की कहानी काफी ज्यादा रोमांचक है जो दर्शकों को बांध पाने में काफी हद तक सक्षम हो जाती है दोस्तों आई बी आदित्य शास्त्री द्वारा लिखी गई कहानी पर संकल्प रेड्डी द्वारा निर्देशित की गई एक फिल्म है दोस्तों आप लोगों को जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है कि ये मूवी इंडो पाकिस्तानी वॉर जो कि 1971 में हुआ था उस पर बेस्ड है और किस तरह से इंडियन फोज ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा था दोस्तों अगर आप एक हिस्टोरिकल मूवी देखना चाहते हैं तो मैं तो कहूंगा आपको एक बार से ये मूवी जरूर से देख लेनी चाहिए अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे की आखिर यह मूवी आपको कहाँ देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि इस मूवी को टीटी आरोप भी रिलीज कर दिया गया है आप चाहे तो इस मूवी को घर बैठे ही डिजनी प्लस हॉटस्टार पर इंजॉय कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में नई के साथ तब तक आप आई बी सेवेंटी वन मूवी को एंजॉय कर लीजिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद हेलो नमस्कार दोस्तों अगर आप भी आई बी सेवेंटी वन मूवी देखना चाहते हैं लेकिन आई बी सेवेंटी वन मूवी आपको कहीं देखने को नहीं मिल रही और दोस्तों आप कंफ्यूज हैं कि आखिर यह मूवी आपको कहां देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आई बी सेवेंटी के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले है और दोस्तों हम बात करेंगे की कैसे आप इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आई बी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की फिर हम बात कर लेंगे की आखिर आप इस मूवी को घर बैठे से इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों अगर हम बात करें आई वी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की तो इसमें हम सब के फेवरेट विद्युत जामवाल जिनकी खुदा हाफिज चैप्टर वन और चैप्टर टू मूवी तो आपने जरूर देखी होगी उसी के साथ दोस्तों दिलीप थाहिल शहीद रहमान निहारिका और विशाल जेठवा भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह विद्युत जामवाल के बहुत बड़े फैन है और उनकी मूवी देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करते तो इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जरूर ऐसी बताइएगा और दोस्तों आप में से किन लोगों ने विद्युत जामवाल की खुदा हाफिज चैप्टर टू और चैप्टर वन मूवी देखी है हमें कमेंट करते हुए जरूर से बताइएगा संकल्प रेड्डी की डायरेक्शन में बनने वाली ये एक, एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसकी अगर रेटिंग की बात करें तो आई एम डीबी आरोप सेवन और एटी थ्री परसेंट गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है दोस्तों आई बी सेवेंटी वन मूवी की कहानी काफी ज्यादा रोमांचक है जो दर्शकों को बांध पाने में काफी हद तक सक्षम हो जाती है दोस्तों आई बी सेवेंटी वन आदित्य शास्त्री द्वारा लिखी गई कहानी पर संकल्प रेड्डी द्वारा निर्देशित की गई एक फिल्म है दोस्तों आप लोगों को जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है कि ये मूवी इंडो पार्टी पाकिस्तानी वॉर जो कि 1971 में हुआ था उस पर बेस्ड है और किस तरह से इंडियन फोज ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा था दोस्तों अगर आप एक हिस्टोरिकल मूवी देखना चाहते हैं तो मैं तो कहूंगा आपको एक बार से ये मूवी जरूर से देख लेनी चाहिए अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे की आखिर यह मूवी आपको कहाँ देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि इस मूवी को टी टी आरोप भी डिलीट कर दिया गया है आप चाहे तो इस मूवी को घर बैठे ही डिजनी प्लस हॉटस्टार पर एंजॉय कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में नई मूवी के साथ अब तक आप आई बी सेवेंटी वन मूवी को एंजॉय कर लीजिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद हेलो नमस्कार दोस्तों अगर आप भी आई बी सेवेंटी वन मूवी देखना चाहते हैं लेकिन आई बी सेवेंटी वन मूवी आपको कहीं देखने को नहीं मिल रही और दोस्तों आप कंफ्यूज हैं कि आखिर यह मूवी आपको कहां देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आई बी सेवेंटी वन मूवी के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले है और दोस्तों हम बात करेंगे की कैसे आप इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आई बी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की फिर हम बात कर लेंगे की आखिर आप इस मूवी को घर बैठे कैसे से इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों अगर हम बात करें आई वी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की तो इसमें हम सब के फेवरेट विद्युत जामवाल जिनकी खुदा हाफिज चैप्टर वन और चैप्टर टू मूवी तो आपने जरूर देखी होगी उसी के साथ दोस्तों दिलीप थाहिल शहीद रहमान निहारिका और विशाल जेठवा भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह विद्युत जामवाल के बहुत बड़े फैन है और उनकी मूवी देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करते तो इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जरूर ऐसी बताइएगा और दोस्तों आप में से किन लोगों ने विद्युत जामवाल की खुदा हाफिज चैप्टर टू और चैप्टर वन मूवी देखी है हमें कमेंट करते हुए जरूर से बताइएगा संकल्प रेड्डी की डायरेक्शन में बनने वाली ये एक, एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसकी अगर रेटिंग की बात करें तो आई पर इसे सेवन और एटी गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है दोस्तों आई मूवी की कहानी काफी ज्यादा रोमांचक है जो दर्शकों को बांध पाने में काफी हद तक सक्षम हो जाती है दोस्तों आई बी सेवेंटी वन आदित्य शास्त्री द्वारा लिखी गई कहानी पर संकल्प रेड्डी द्वारा निर्देशित की गई एक फिल्म है दोस्तों आप लोगों को जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है कि ये मूवी इंडो पाकिस्तानी वॉर जो कि 1971 में हुआ था उस पर बेस्ड है और किस तरह से इंडियन फौज ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा था दोस्तों अगर आप एक हिस्टोरिकल मूवी देखना चाहते हैं तो मैं तो कहूंगा आपको एक बार से ये मूवी जरूर से देख लेनी चाहिए अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे की आखिर यह मूवी आपको कहाँ देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए खुशी की बात यह है की इस मूवी को टीटी पर रिलीज कर दिया गया है आप चाहे तो इस मूवी को घर बैठे ही डिजनी प्लस हॉटस्टार पर इंजॉय कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में नई मूवी के साथ तब तक आप आई बी सेवेंटी वन मूवी को एंजॉय कर लीजिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद हेलो नमस्कार दोस्तों अगर आप भी आई बी सेवेंटी वन मूवी देखना चाहते हैं लेकिन आई बी सेवेंटी वन मूवी आपको कहीं देखने को नहीं मिल रही और दोस्तों आप कंफ्यूज हैं कि आखिर यह मूवी आपको कहां देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आई बी सेवेंटी वन मूवी के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं और दोस्तों हम बात करेंगे की कैसे आप इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू कर ले दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आई बी मूवी के कास्ट की फिर हम बात कर लेंगे की आखिर आप इस मूवी को घर बैठे कैसे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों अगर हम बात करें आई बी मूवी के कास्ट की तो इसमें हम सब फेवरेट विद्युत जामवाल जिनकी खुदा हाफिज चैप्टर वन और चैप्टर टू मूवी तो आपने जरूर देखी होगी उसी के साथ दोस्तों दिलीप थाहिल शहीद रहमान निहारिका और विशाल जेठवा भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह विदुत जामवाल के बहुत बड़े फैन हैं और उनकी मूवी देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करते तो इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जरूर से बताइएगा और दोस्तों आप में से किन लोगों ने विद्युत जामवाल की खुदा हाफिज चैप्टर चैप्टर और मूवी देखी है हमें कमेंट करते हुए जरूर से बताइएगा संकल्प रेडी की डायरेक्शन में बनने वाली ये एक, एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसकी अगर रेटिंग की बात करें तो आई एम डीबी सेवन पॉइंट टू और एटी थ्री परसेंट गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है दोस्तों आई बी सेवेंटी वन मूवी की कहानी काफी ज्यादा रोमांचक है जो दर्शकों को बांध पाने में काफी हद तक सक्षम हो जाती है दोस्तों आई बी सेवेंटी वन आदित्य शास्त्री द्वारा लिखी गई कहानी पर संकल्प रेड्डी द्वारा निर्देशित की गई एक फिल्म है दोस्तों आप लोगों को जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है कि ये मूवी इंडो पाकिस्तानी वॉर जो कि 1971 में हुआ था उस पर बेस्ड है और किस तरह से इंडियन फौज ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा था दोस्तों अगर आप एक हिस्टोरिकल मूवी देखना चाहते है तो मैं तो कहूँगा आपको एक बार ऐसी ये मूवी जरूर ऐसी देख लेनी चाहिए अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे की आखिर यह मूवी आपको कहाँ देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए खुशी की बात यह है की इस मूवी को टीटी पर भी डिलीट कर दिया गया है आप चाहे तो इस को घर बैठे ही डिजनी प्लस होटस्ट पर एंजॉय कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में नई मूवी के साथ तब तक आप आई बी सेवेंटी वन मूवी को एंजॉय कर लीजिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद हेलो नमस्कार दोस्तों अगर आप भी आई बी सेवेंटी वन मूवी देखना चाहते हैं लेकिन आई बी सेवेंटी वन मूवी आपको कहीं देखने को नहीं मिल रही और दोस्तों आप कंफ्यूज हैं कि आखिर यह मूवी आपको कहां देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आई बी सेवेंटी वन मूवी के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं और दोस्तों हम बात करेंगे कि कैसे आप इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए आज की कि इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आई बी मूवी के कास्ट की फिर हम बात कर लेंगे की आखिर आप इस मूवी को घर बैठे कैसे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों अगर हम बात करें आई बी मूवी के कास्ट की तो इसमें हम सब फेवरेट विदु जामवाल जिनकी खुदा हाफिज चैप्टर वन और चैप्टर टू मूवी तो आपने जरूर देखी होगी उसी के साथ दोस्तों दिलीप थाहिल शहीद रहमान निहारिका और विशाल जेठवा भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह विद्युत जामवाल के बहुत बड़े फैन है और उनकी मूवी देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करते तो इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जरूर ऐसी बताइएगा और दोस्तों आप में से किन लोगों ने विद्युत जामवाल की खुदा हाफिज चैप्टर टू और चैप्टर वन मूवी देखी है हमें कमेंट करते हुए जरूर ऐसी बताइएगा संकल्प रेड्डी की डायरेक्शन में बनने वाली ये एक, एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसकी अगर रेटिंग की बात करें तो आई एम यूजर ने इसे पसंद भी किया है दोस्तों आई बी सेवेंटी वन मूवी की कहानी काफी ज्यादा रोमांचक जो दर्शकों को बांध पाने में काफी हद तक सक्षम हो जाती है दोस्तों आई बी सेवेंटी वन आदित्य शास्त्री द्वारा लिखी गई कहानी पर संकल्प रेड्डी द्वारा निर्देशित की गई एक फिल्म है दोस्तों आप लोगों को जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है की ये मूवी इंडो पाकिस्तानी वॉर जो की नाइनटीन में हुआ था उस पर बेस्ड है और किस तरह से इंडियन फौज ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा था दोस्तों अगर आप एक हिस्टोरिकल मूवी देखना चाहते है तो मैं तो कहूँगा आपको एक बार ऐसी ये मूवी जरूर ऐसी देख लेनी चाहिए अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे कि आखिर यह मूवी को कहाँ देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए खुशी की बात यह है की इस मूवी को टी रिलीज कर दिया गया है आप चाहे तो इस मूवी को घर बैठे ही डिजनी प्लस हो स्टार पर एंजॉय कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में नई मूवी के साथ आई बी सेवेंटी वन मूवी को एंजॉय कर लीजिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद हेलो नमस्कार दोस्तों अगर आप भी आई बी सेवेंटी वन मूवी देखना चाहते हैं लेकिन आई बी सेवेंटी वन मूवी आपको कहीं देखने को नहीं मिल रही और दोस्तों आप कंफ्यूज हैं कि आखिर यह मूवी आपको कहाँ देख को मिलने वाली है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आई बी सेवेंटी वन मूवी के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं और दोस्तों हम बात करेंगे कि कैसे आप इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आई बी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की फिर हम बात कर लेंगे की आखिर आप इस मूवी को घर बैठे कैसे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों अगर हम बात करें आई बी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की तो इसमें हम सब के फेवरेट विदु जामवाल जिनकी खुदा हाफिज चैप्टर वन और चैप्टर टू मूवी तो आपने जरूर देखी होगी उसी के साथ दोस्तों दिलीप थाहिल शहीद रहमान निहारिका और विशाल जेठवा भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह विद्युत जामवाल के बहुत बड़े फैन है और उनकी मूवी देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करते तो इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जरूर ऐसी बताइएगा और दोस्तों आप में से किन लोगों ने विद्युत जामवाल की खुदा हाफिस चैप्टर टू और चैप्टर वन मूवी देखी है हमें कमेंट करते हुए जरूर ऐसी बताइएगा संकल्प रेड्डी की डायरेक्शन में बनने वाली ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसकी अगर रेटिंग की बात करें तो आई एम डी बी सेवन पॉइंट और 83 परसेंट गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है दोस्तों आई बी मूवी की कहानी काफी ज्यादा रोमांचक है जो दर्शकों को बांध पाने में काफी हद तक सक्षम हो जाती है दोस्तों आई बी आदित्य शास्त्री द्वारा लिखी गई कहानी आरोप संकल्प रेड्डी द्वारा निर्देशित की गई एक फिल्म है दोस्तों आप लोगों को जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है की ये मूवी इंडो पाकिस्तानी वॉर जो की नाइनटीन में हुआ था उस पर बेस्ड है और किस तरह से इंडियन फोज ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा था दोस्तों अगर आप एक स्टोरी मूवी देखना चाहते हैं तो मैं तो कहूंगा आपको एक बार से ये मूवी जरूर से देख लेनी चाहिए अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे कि आखिर यह मूवी आपको कहां देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि इस मूवी को टी टी आरोप भी कर दिया गया है आप चाहे तो इस मूवी को घर बैठे ही डिजनी प्लस हॉटस्टार पर आरोप इंजॉय कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में नई मूवी के साथ अब तक आप आई बी सेवेंटी वन मूवी को इंजॉय कर लीजिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद हेलो नमस्कार दोस्तों अगर आप भी आई बी सेवेंटी वन मूवी देखना चाहते हैं लेकिन आई बी सेवेंटी वन मूवी आपको कहीं देखने को नहीं मिल रही और दोस्तों आप कंफ्यूज हैं कि आखिर यह मूवी आपको कहां देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आई बी सेवेंटी के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले है और दोस्तों हम बात करेंगे की कैसे आप इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आई बी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की फिर हम बात कर लेंगे की आखिर आप इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों अगर हम बात करें आई वी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की तो इसमें हम सब के फेवरेट विद्युत जामवाल जिनकी खुदा हाफिज चैप्टर वन और चैप्टर टू मूवी तो आपने जरूर देखी होगी उसी के साथ दोस्तों दिलीप थाहिल शहीद रहमान निहारिका और विशाल जेठवा भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह विद्युत जामवाल के बहुत बड़े फैन है और उनकी मूवी देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करते तो इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जरूर ऐसी बताइएगा और दोस्तों आप में से किन लोगों ने विद्युत जामवाल की खुदा हाफिज चैप्टर टू और चैप्टर वन मूवी देखी है हमें कमेंट करते हुए जरूर से बताइएगा संकल्प रेड्डी की डायरेक्शन में बनने वाली ये एक, एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसकी अगर रेटिंग की बात करें तो आई एम डीबी आरोप सेवन और एटी गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है दोस्तों आई बी मूवी की कहानी काफी ज्यादा रोमांचक है जो दर्शकों को बांध पाने में काफी हद तक सक्षम हो जाती है दोस्तों आई बी आदित्य शास्त्री द्वारा लिखी गई कहानी पर संकल्प रेड्डी द्वारा निर्देशित की गई एक फिल्म है दोस्तों आप लोगों को जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है कि ये मूवी इंडो पाकिस्तानी वॉर जो कि 1971 में हुआ था उस पर बेस्ड है और किस तरह से इंडियन फोज ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा था दोस्तों अगर आप एक हिस्टोरिकल मूवी देखना चाहते हैं तो मैं तो कहूंगा आपको एक बार से ये मूवी जरूर से देख लेनी चाहिए अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे की आखिर यह मूवी आपको कहाँ देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि इस मूवी को टी टी आरोप भी कर दिया गया है आप चाहे तो इस मूवी को घर बैठे ही डिजनी प्लस हॉटस्टार पर इंजॉय कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में नई मूवी के साथ अब तक आप आई बी सेवेंटी वन मूवी को एंजॉय कर लीजिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद हेलो नमस्कार दोस्तों अगर आप भी आई बी मूवी देखना चाहते हैं लेकिन आई बी मूवी आपको कहीं देखने को नहीं मिल रही और दोस्तों आप कंफ्यूज हैं कि आखिर यह मूवी आपको कहां देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आई बी मूवी के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले है और दोस्तों हम बात करेंगे की कैसे आप इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आई बी मूवी के कास्ट की फिर हम बात कर लेंगे की आखिर आप इस मूवी को घर बैठे कैसे से इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों अगर हम बात करें आई वी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की तो इसमें हम सब के फेवरेट विद्युत जामवाल जिनकी खुदा हाफिज चैप्टर वन और चैप्टर टू मूवी तो आपने जरूर देखी होगी उसी के साथ दोस्तों दिलीप थाहिल शहीद रहमान निहारिका और विशाल जेठवा भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह विद्युत जामवाल के बहुत बड़े फैन है और उनकी मूवी देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करते तो इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जरूर ऐसी बताइएगा और दोस्तों आप में से किन लोगों ने विद्युत जामवाल की खुदा हाफिज चैप्टर टू और चैप्टर वन मूवी देखी है हमें कमेंट करते हुए जरूर से बताइएगा संकल्प रेड्डी की डायरेक्शन में बनने वाली ये एक, एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसकी अगर रेटिंग की बात करें तो आई पर इसे सेवन और एटी गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है दोस्तों आई मूवी की कहानी काफी ज्यादा रोमांचक है जो दर्शकों को बांध पाने में काफी हद तक सक्षम हो जाती है दोस्तों आई बी सेवेंटी वन आदित्य शास्त्री द्वारा लिखी गई कहानी पर संकल्प रेड्डी द्वारा निर्देशित की गई एक फिल्म है दोस्तों आप लोगों को जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है कि ये मूवी इंडो पाकिस्तानी वॉर जो कि 1971 में हुआ था उस पर बेस्ड है और किस तरह से इंडियन फौज ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा था दोस्तों अगर आप एक हिस्टोरिकल मूवी देखना चाहते हैं तो मैं तो कहूंगा आपको एक बार से ये मूवी जरूर से देख लेनी चाहिए अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे की आखिर यह मूवी आपको कहाँ देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए खुशी की बात यह है की इस मूवी को टीटी पर रिलीज कर दिया गया है आप चाहे तो इस मूवी को घर बैठे ही डिजनी प्लस हॉटस्टार पर इंजॉय कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में नई मूवी के साथ अब तक आप आईबी सेवेंटी वन मूवी को एंजॉय कर लीजिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद हेलो नमस्कार दोस्तों अगर आप भी आई बी सेवेंटी वन मूवी देखना चाहते हैं लेकिन आई बी सेवेंटी वन मूवी आपको कहीं देखने को नहीं मिल रही और दोस्तों आप कंफ्यूज हैं कि आखिर यह मूवी आपको कहां देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आई बी सेवेंटी वन मूवी के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले है और दोस्तों हम बात करेंगे की कैसे आप इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आई बी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की फिर हम बात कर लेंगे की आखिर आप इस मूवी को घर बैठे कैसे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों अगर हम बात करें आई वी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की तो इसमें हम सब के फेवरेट विद्युत जिनकी खुदा हाफिज चैप्टर वन और चैप्टर टू मूवी तो आपने जरूर देखी होगी उसी के साथ दोस्तों दिलीप थाहिल था निहारिका और विशाल जेठवा भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह विद्युत जामवाल के बहुत बड़े फैन है और उनकी मूवी देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करते तो इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जरूर ऐसी बताइएगा और दोस्तों आप में से किन लोगों ने विद्युत जामवाल की खुदा हाफिज चैप्टर टू और चैप्टर वन मूवी देखी है हमें कमेंट करते हुए जरूर से बताइएगा संकल्प रेड्डी की डायरेक्शन में बनने वाली ये एक, एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसकी अगर रेटिंग की बात करें तो आई एम यूजर ने इसे पसंद भी किया है दोस्तों आई बी सेवेंटी वन मूवी की कहानी काफी ज्यादा रोमांचक है जो दर्शकों को बांध पाने में काफी हद तक सक्षम हो जाती है दोस्तों आई बी सेवेंटी वन आदित्य शास्त्री द्वारा लिखी गई कहानी पर संकल्प रेड्डी द्वारा निर्देशित की गई एक फिल्म है दोस्तों आप लोगों को जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है कि ये मूवी इंडो पार्टी पाकिस्तानी वॉर जो कि 1971 में हुआ था उस पर बेस्ड है और किस तरह से इंडियन फोज ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा था दोस्तों अगर आप एक हिस्टोरिकल मूवी देखना चाहते हैं तो मैं तो कहूंगा आपको एक बार से ये मूवी जरूर से देख लेनी चाहिए अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे की आखिर यह मूवी आपको कहाँ देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप सभी लोगो के लिए खुशी की बात यह है कि इस मूवी को टीटी आरोप भी रिलीज कर दिया गया है आप चाहे तो इस मूवी को घर बैठे ही डिजनी प्लस पर इंजॉय कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में नई मूवी के साथ तब तक आप आईबी सेवेंटी वन मूवी को एंजॉय कर लीजिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद हेलो नमस्कार दोस्तों अगर आप भी आई बी सेवेंटी वन मूवी देखना चाहते हैं लेकिन आई बी सेवेंटी वन मूवी आपको कहीं देखने को नहीं मिल रही और दोस्तों आप कंफ्यूज हैं कि आखिर यह मूवी आपको कहां देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आई बी सेवेंटी वन मूवी के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले है और दोस्तों हम बात करेंगे की कैसे आप इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आई बी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की फिर हम बात कर लेंगे की आखिर आप इस मूवी को घर बैठे कैसे ऐसी इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों अगर हम बात करें आई वी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की तो इसमें हम सब के फेवरेट विद्युत जामवाल जिनकी खुदा हाफिज चैप्टर वन और चैप्टर टू मूवी तो आपने जरूर देखी होगी उसी के साथ दोस्तों दिलीप थाहिल शहीद रहमान निहारिका और विशाल जेठवा भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह विद्युत जामवाल के बहुत बड़े फैन है और उनकी मूवी देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करते तो इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जरूर ऐसी बताइएगा और दोस्तों आप में से किन लोगों ने विद्युत जामवाल की खुदा हाफिज चैप्टर टू और चैप्टर वन मूवी देखी है हमें कमेंट करते हुए जरूर से बताइएगा संकल्प रेड्डी की डायरेक्शन में बनने वाली ये एक, एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसकी अगर रेटिंग की बात करें तो आई एम डी बी और एटी गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है दोस्तों आई बी मूवी की कहानी काफी ज्यादा रोमांचक है जो दर्शकों को बांध पाने में काफी हद तक सक्षम हो जाती है दोस्तों आई बी आदित्य शास्त्री द्वारा लिखी गई कहानी पर संकल्प रेड्डी द्वारा निर्देशित की गई एक फिल्म है दोस्तों आप लोगों को जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है कि ये मूवी इंडो पाकिस्तानी वॉर जो कि 1971 में हुआ था उस पर बेस्ड है और किस तरह से इंडियन फोज ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा था दोस्तों अगर आप एक हिस्टोरिकल मूवी देखना चाहते हैं तो मैं तो कहूंगा आपको एक बार से ये मूवी जरूर से देख लेनी चाहिए अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे की आखिर यह मूवी आपको कहाँ देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि इस मूवी को और टीटी पर भी कर दिया गया है आप चाहे तो इस मूवी को घर बैठे ही डिजनी प्लस हॉटस्टार पर इंजॉय कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में नई मूवी के साथ अब तक आप आई बी सेवेंटी वन मूवी को एंजॉय कर लीजिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद हेलो नमस्कार दोस्तों अगर आप भी आई बी सेवेंटी वन मूवी देखना चाहते हैं लेकिन आई बी सेवेंटी वन मूवी आपको कहीं देखने को नहीं मिल रही और दोस्तों आप कंफ्यूज हैं कि आखिर यह मूवी आपको कहां देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आई बी सेवेंटी वन मूवी के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले है और दोस्तों हम बात करेंगे की कैसे आप इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आई बी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की फिर हम बात कर लेंगे की आखिर आप इस मूवी को घर बैठे कैसे इन्जॉय कर सकते हैं तो दोस्तों अगर हम बात करें आई वी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की तो इसमें हम सब के फेवरेट विद्युत जामवाल जिनकी खुदा हाफिज चैप्टर वन और चैप्टर टू मूवी तो आपने जरूर देखी होगी उसी के साथ दोस्तों दिलीप थाहिल दिलप था निहारिका और विशाल जेठवा भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह विद्युत जामवाल के बहुत बड़े फैन है और उनकी मूवी देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करते तो इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जरूर ऐसी बताइएगा और दोस्तों आप में से किन लोगों ने विद्युत जामवाल की खुदा हाफिज चैप्टर टू और चैप्टर वन मूवी देखी है हमें कमेंट करते हुए जरूर से बताइएगा संकल्प रेड्डी की डायरेक्शन में बनने वाली ये एक, एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसकी अगर रेटिंग की बात करें तो आई एम यूजर ने इसे पसंद भी किया है दोस्तों आई बी मूवी की कहानी काफी ज्यादा रोमांचक है जो दर्शकों को बांध पाने में काफी हद तक सक्षम हो जाती है दोस्तों आई बी आदित्य शास्त्री द्वारा लिखी गई कहानी पर संकल्प रेड्डी द्वारा निर्देशित की गई एक फिल्म है दोस्तों आप लोगों को जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है कि ये मूवी इंडो वॉर जो कि 1971 में हुआ था उस पर बेस्ड है और किस तरह से इंडियन फोज ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा था दोस्तों अगर आप एक हिस्टोरिकल मूवी देखना चाहते हैं तो मैं तो कहूँगा आपको एक बार से ये मूवी जरूर से देख लेनी चाहिए अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे की आखिर यह मूवी आपको कहाँ देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप सभी लोगो के लिए खुशी की बात यह है इस मूवी को टीटी आरोप भी रिलीज कर दिया गया है आप चाहे तो इस मूवी को घर बैठे ही डिजनी प्लस होटस्टार इंजॉय कर सकते है तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में नई मूवी के साथ तब तक आप आई बी सेवेंटी वन मूवी को एंजॉय कर लीजिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद हेलो नमस्कार दोस्तों अगर आप भी आई बी सेवेंटी वन मूवी देखना चाहते हैं लेकिन आई बी सेवेंटी वन मूवी आपको कहीं देखने को नहीं मिल रही और दोस्तों आप कंफ्यूज हैं कि आखिर यह मूवी आपको कहां देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आई बी सेवेंटी वन मूवी के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले है और दोस्तों हम बात करेंगे की कैसे आप इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू कर ले लेते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आई बी मूवी के कास्ट की फिर हम बात कर लेंगे की आखिर आप इस मूवी को घर बैठे कैसे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों अगर हम बात करें आई बी मूवी के कास्ट की तो इसमें हम सब के फेवरेट विद्युत जामवाल जिनकी खुदा हाफिज चैप्टर वन और चैप्टर टू मूवी तो आपने जरूर देखी होगी उसी के साथ दोस्तों दिलीप थाहिल शहीद रहमान निहारिका और विशाल जेठवा भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह विदुत जावाल के बहुत बड़े फैन हैं और उनकी मूवी देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करते तो इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जरूर से बताइएगा और दोस्तों आप में से किन लोगों ने विद्युत जामवाल की खुदा हाफिज चैप्टर टू और चैप्टर वन मूवी देखी है हमें कमेंट करते हुए जरूर से बताइएगा संकल्प रेडी की डायरेक्शन में बनने वाली ये एक, एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसकी अगर रेटिंग की बात करें तो आई एम डीबी आरोप सेवन और एटी गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है दोस्तों आई बी मूवी की कहानी काफी ज्यादा रोमांचक है जो दर्शकों को बांध पाने में काफी हद तक सक्षम हो जाती है दोस्तों आई बी आदित्य शास्त्री द्वारा लिखी गई कहानी पर संकल्प रेड्डी द्वारा निर्देशित की गई एक फिल्म है दोस्तों आप लोगों को जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है कि ये मूवी इंडो पाकिस्तानी वॉर जो कि 1971 में हुआ था उस पर बेस्ड है और किस तरह से इंडियन फौज ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा था दोस्तों अगर आप एक हिस्टोरिकल मूवी देखना चाहते है तो मैं तो कहूंगा आपको एक बार ऐसी ये मूवी जरूर ऐसी देख लेनी चाहिए अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे की आखिर यह मूवी आपको कहाँ देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए खुशी की बात यह है इस मूवी को रिलीज कर दिया गया है आप चाहे तो इस को घर बैठे ही डिजनी प्लस होस्टार पर एंजॉय कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में नई मूवी के साथ तब तक आई बी सेवेंटी को इंजॉय कर लीजिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद हेलो नमस्कार दोस्तों अगर आप भी आई बी सेवेंटी वन मूवी देखना चाहते हैं लेकिन आई बी सेवेंटी वन मूवी आपको कहीं देखने को नहीं मिल रही और दोस्तों आप कंफ्यूज हैं कि आखिर यह मूवी आपको कहां देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आई बी सेवेंटी वन मूवी के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं और दोस्तों हम बात करेंगे कि कैसे आप इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आई वी मूवी के कास्ट की फिर हम बात कर लेंगे की आखिर आप इस मूवी को घर बैठे कैसे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों अगर हम बात करें आई वी मूवी के कास्ट की तो इसमें हम सब फेवरेट विदु जामवाल जिनकी खुदा हाफिज चैप्टर वन और चैप्टर टू मूवी तो आपने जरूर देखी होगी उसी के साथ दोस्तों दिलीप थाहिल शहीदुर रहमान निहारिका और विशाल जेठवा भी आपको इस में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह विद्युत जामवाल के बहुत बड़े फैन है और उनकी मूवी देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करते तो इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जरूर ऐसी बताइएगा और दोस्तों आप में से किन लोगों ने विद्युत जामवाल की खुदा हाफिस चैप्टर टू और चैप्टर वन मूवी देखी है हमें कमेंट करते हुए जरूर ऐसी बताइएगा संकल्प रेड्डी की डायरेक्शन में बनने वाली ये एक, एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसकी अगर रेटिंग की बात करें तो आईएमडीबी पर इसे 7.2 और 83 परसेंट गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है दोस्तों आई बी मूवी की कहानी काफी ज्यादा रोमांचक है जो दर्शकों को बांध पाने में काफी हद तक सक्षम हो जाती है दोस्तों आई बी सेवेंटी वन आदित्य शास्त्री द्वारा लिखी गई कहानी पर संकल्प रेड्डी द्वारा निर्देशित की गई एक फिल्म है दोस्तों आप लोगों को जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है कि ये मूवी इंडो पाकिस्तानी वॉर जो कि 1971 में हुआ था उस पर बेस्ड है और किस तरह से इंडियन फौज ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा था दोस्तों अगर आप एक हिस्टोरिकल मूवी देखना चाहते है तो मैं तो कहूंगा आपको एक बार ऐसी ये मूवी जरूर ऐसी देख लेनी चाहिए अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे की आखिर यह मूवी को कहा देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए खुशी की बात यह है की टी पर आरोपी कर दिया गया है आप चाहे तो इस मूवी को घर बैठे ही डिजनी प्लस हो स्टार पर एंजॉय कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में नई मूवी के साथ आई बी सेवेंटी वन मूवी को एंजॉय कर लीजिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद हेलो नमस्कार दोस्तों अगर आप भी आई बी सेवेंटी वन मूवी देखना चाहते हैं लेकिन आई बी सेवेंटी वन मूवी आपको कहीं देखने को नहीं मिल रही और दोस्तों आप कंफ्यूज हैं कि आखिर यह मूवी आपको कहाँ देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आई बी सेवेंटी वन मूवी के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं और दोस्तों हम बात करेंगे कि कैसे आप इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आई बी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की फिर हम बात कर लेंगे की आखिर आप इस मूवी को घर बैठे कैसे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों अगर हम बात करें आई बी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की तो इसमें हम सब के फेवरेट विदु जामवाल जिनकी खुदा हाफिज चैप्टर वन और चैप्टर टू मूवी तो आपने जरूर देखी होगी उसी के साथ दोस्तों दिलीप थाहिल शहीद रहमान निहारिका और विशाल जेठवा भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह विद्युत जमवाल के बहुत बड़े फैन है और उनकी मूवी देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करते तो इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जरूर ऐसी बताइएगा और दोस्तों आप में से किन लोगों ने विद्युत जामवाल की खुदा हाफिस चैप्टर टू और चैप्टर वन मूवी देखी है हमें कमेंट करते हुए जरूर ऐसी बताइएगा संकल्प रेड्डी की डायरेक्शन में बनने वाली ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसकी अगर रेटिंग की बात करें तो आई एम डी बी सेवन पॉइंट और 83 परसेंट गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है दोस्तों आई बी मूवी की कहानी काफी ज्यादा रोमांचक है जो दर्शकों को बांध पाने में काफी हद तक सक्षम हो जाती है दोस्तों आई बी आदित्य शास्त्री द्वारा लिखी गई कहानी पर संकल्प रेड्डी द्वारा निर्देशित की गई एक फिल्म है दोस्तों आप लोगों को जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है कि ये मूवी इंडो पाकिस्तानी वॉर जो कि 1971 में हुआ था उस पर बेस्ड है और किस तरह से इंडियन फोज ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा था दोस्तों अगर आप एक हिस्टोरिकल मूवी देखना चाहते हैं तो मैं तो कहूंगा आपको एक बार से ये मूवी जरूर से देख लेनी चाहिए अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे कि आखिर यह मूवी आपको कहां देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि इस मूवी मुटी आरोप भी रिलीज कर दिया गया है आप चाहे तो इस मूवी को घर बैठे ही डिजनी प्लस हॉटस्टार पर आरोप इंजॉय कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में नई मूवी के साथ तब तक आप आई बी सेवेंटी वन मूवी को इंजॉय कर लीजिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद हेलो नमस्कार दोस्तों अगर आप भी आई बी सेवेंटी वन मूवी देखना चाहते हैं लेकिन आई बी सेवेंटी वन मूवी आपको कहीं देखने को नहीं मिल रही और दोस्तों आप कंफ्यूज हैं कि आखिर यह मूवी आपको कहां देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आई बी सेवेंटी वन मूवी के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले है और दोस्तों हम बात करेंगे की कैसे आप इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आई बी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की फिर हम बात कर लेंगे की आखिर आप इस मूवी को घर बैठे कैसे ऐसी इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों अगर हम बात करें आई वी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की तो इसमें हम सब के फेवरेट विद्युत जामवाल जिनकी खुदा हाफिज चैप्टर वन और चैप्टर टू मूवी तो आपने जरूर देखी होगी उसी के साथ दोस्तों दिलीप थाहिल शहीद रहमान निहारिका और विशाल जेठवा भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह विद्युत जामवाल के बहुत बड़े फैन है और उनकी मूवी देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करते तो इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जरूर ऐसी बताइएगा और दोस्तों आप में से किन लोगों ने विद्युत जामवाल की खुदा हाफिज चैप्टर टू और चैप्टर वन मूवी देखी है हमें कमेंट करते हुए जरूर से बताइएगा संकल्प रेड्डी की डायरेक्शन में बनने वाली ये एक एक्शन एक थ्रिलर मूवी है जिसकी अगर रेटिंग की बात करें तो आई एम डीबी आरोप और एटी गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है दोस्तों आई बी मूवी की कहानी काफी ज्यादा रोमांचक है जो दर्शकों को बांध पाने में काफी हद तक सक्षम हो जाती है दोस्तों आई बी आदित्य शास्त्री द्वारा लिखी गई कहानी पर संकल्प रेड्डी द्वारा निर्देशित की गई एक फिल्म है दोस्तों आप लोगों को जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है कि ये मूवी इंडो पाकिस्तानी वॉर जो कि 1971 में हुआ था उस पर बेस्ड है और किस तरह से इंडियन फौज ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा था दोस्तों अगर आप एक हिस्टोरिकल मूवी देखना चाहते हैं तो मैं तो कहूंगा आपको एक बार से ये मूवी जरूर से देख लेनी चाहिए अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे की आखिर यह मूवी आपको कहाँ देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए खुशी की बात यह है की टी टी आरोप भी कर दिया गया है आप चाहे तो इस मूवी को घर बैठे ही डिजनी प्लस हॉटस्टार पर इंजॉय कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में नई मूवी के साथ अब तक आप आई बी सेवेंटी वन मूवी को एंजॉय कर लीजिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद हेलो नमस्कार दोस्तों अगर आप भी आई बी सेवेंटी वन मूवी देखना चाहते हैं लेकिन आई बी सेवेंटी वन मूवी आपको कहीं देखने को नहीं मिल रही और दोस्तों आप कंफ्यूज हैं कि आखिर यह मूवी आपको कहां देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आई बी सेवेंटी वन मूवी के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले है और दोस्तों हम बात करेंगे की कैसे आप इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आई बी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की फिर हम बात कर लेंगे की आखिर आप इस मूवी को घर बैठे कैसे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों अगर हम बात करें आई वी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की तो इसमें हम सब के फेवरेट विद्युत जामवाल जिनकी खुदा हाफिज चैप्टर वन और चैप्टर टू मूवी तो आपने जरूर देखी होगी उसी के साथ दोस्तों दिलीप थाहिल था रमान निहारिका और विशाल जेठवा भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह विद्युत जामवाल के बहुत बड़े फैन है और उनकी मूवी देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करते तो इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जरूर ऐसी बताइएगा और दोस्तों आप में से किन लोगों ने विद्युत जामवाल की खुदा हाफिज चैप्टर टू और चैप्टर वन मूवी देखी है हमें कमेंट करते हुए जरूर से बताइएगा संकल्प रेड्डी की डायरेक्शन में बनने वाली ये एक, एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसकी अगर रेटिंग की बात करें तो आई एम डीबी सेवन पॉइंट टू और एटी गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है दोस्तों आई बी मूवी की कहानी काफी ज्यादा रोमांचक है जो दर्शकों को बांध पाने में काफी हद तक सक्षम हो जाती है दोस्तों आई बी आदित्य शास्त्री द्वारा लिखी गई कहानी पर संकल्प रेड्डी द्वारा निर्देशित की गई एक फिल्म है दोस्तों आप लोगों को जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है कि ये मूवी इंडो पाकिस्तानी वॉर जो कि 1971 में हुआ था उस पर बेस्ड है और किस तरह से इंडियन फोज ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा था दोस्तों अगर आप एक हिस्टोरिकल मूवी देखना चाहते हैं तो मैं तो कहूंगा आपको एक बार से ये मूवी जरूर से देख लेनी चाहिए अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे की आखिर यह मूवी आपको कहाँ देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप सभी लोगो के लिए खुशी की बात यह है कि इस मूवी को टीटी आरोप भी रिलीज कर दिया गया है आप चाहे तो इस मूवी को घर बैठे ही डिजनी प्लस हॉटस्टार पर इंजॉय कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में नई मूवी के साथ तब तक आप आईबी सेवेंटी वन मूवी को एंजॉय कर लीजिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद हेलो नमस्कार दोस्तों अगर आप भी आई बी सेवेंटी वन मूवी देखना चाहते हैं लेकिन आई बी सेवेंटी वन मूवी आपको कहीं देखने को नहीं मिल रही और दोस्तों आप कंफ्यूज हैं कि आखिर यह मूवी आपको कहां देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आई बी सेवेंटी के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले है और दोस्तों हम बात करेंगे की कैसे आप इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आई बी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की फिर हम बात कर लेंगे की आखिर आप इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों अगर हम बात करें आई वी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की तो इसमें हम सब के फेवरेट विद्युत जामवाल जिनकी खुदा हाफिज चैप्टर वन और चैप्टर टू मूवी तो आपने जरूर देखी होगी उसी के साथ दोस्तों दिलीप थाहिल शाहीदुर रहमान निहारिका और विशाल जेठवा भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह विद्युत जामवाल के बहुत बड़े फैन है और उनकी मूवी देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करते तो इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जरूर ऐसी बताइएगा और दोस्तों आप में से किन लोगों ने विद्युत जामवाल की खुदा हाफिज चैप्टर टू और चैप्टर वन मूवी देखी है हमें कमेंट करते हुए जरूर से बताइएगा संकल्प रेड्डी की डायरेक्शन में बनने वाली ये एक, एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसकी अगर रेटिंग की बात करें तो आई एम डीबी आरोप सेवन पॉइंट टू और एटी थ्री परसेंट गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है दोस्तों आई बी सेवेंटी वन मूवी की कहानी काफी ज्यादा रोमांचक है जो दर्शकों को बांध पाने में काफी हद तक सक्षम हो जाती है दोस्तों आई बी सेवेंटी वन आदित्य शास्त्री द्वारा लिखी गई कहानी पर संकल्प रेड्डी द्वारा निर्देशित की गई एक फिल्म है दोस्तों आप लोगों को जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है कि ये मूवी इंडो पार्टी पाकिस्तानी वॉर जो कि 1971 में हुआ था उस पर बेस्ड है और किस तरह से इंडियन फोज ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा था दोस्तों अगर आप एक हिस्टोरिकल मूवी देखना चाहते हैं तो मैं तो कहूंगा आपको एक बार से ये मूवी जरूर से देख लेनी चाहिए अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे की आखिर यह मूवी आपको कहाँ देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए खुशी की बात यह है की इस मूवी को और टीटी पर रिलीज कर दिया गया है आप चाहे तो इस मूवी को घर बैठे ही डिजनी प्लस हॉटस्टार पर इंजॉय कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में नई मूवी के साथ अब तक आप आईबी सेवेंटी वन मूवी को एंजॉय कर लीजिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद हेलो नमस्कार दोस्तों अगर आप भी आई बी मूवी देखना चाहते हैं लेकिन आई बी मूवी आपको कहीं देखने को नहीं मिल रही और दोस्तों आप कंफ्यूज हैं कि आखिर यह मूवी आपको कहां देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आई बी मूवी के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले है और दोस्तों हम बात करेंगे की कैसे आप इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आई बी मूवी के कास्ट की फिर हम बात कर लेंगे की आखिर आप इस मूवी को घर बैठे कैसे से इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों अगर हम बात करें आई वी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की तो इसमें हम सब के फेवरेट विद्युत जामवाल जिनकी खुदा हाफिज चैप्टर वन और चैप्टर टू मूवी तो आपने जरूर देखी होगी उसी के साथ दोस्तों दिलीप थाहिल शहीद रहमान निहारिका और विशाल जेठवा भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह विद्युत जामाल के बहुत बड़े फैन है और उनकी मूवी देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करते तो इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जरूर ऐसी बताइएगा और दोस्तों आप में से किन लोगों ने विद्युत जामवाल की खुदा हाफिज चैप्टर टू और चैप्टर वन मूवी देखी है हमें कमेंट करते हुए जरूर से बताइएगा संकल्प रेड्डी की डायरेक्शन में बनने वाली ये एक, एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसकी अगर रेटिंग की बात करें तो आई पर इसे सेवन और एटी गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है दोस्तों आई मूवी की कहानी काफी ज्यादा रोमांचक है जो दर्शकों को बांध पाने में काफी हद तक सक्षम हो जाती है दोस्तों आई बी सेवेंटी वन आदित्य शास्त्री द्वारा लिखी गई कहानी पर संकल्प रेड्डी द्वारा निर्देशित की गई एक फिल्म है दोस्तों आप लोगों को जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है कि ये मूवी इंडो पाकिस्तानी वॉर जो कि 1971 में हुआ था उस पर बेस्ड है और किस तरह से इंडियन फौज ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा था दोस्तों अगर आप एक हिस्टोरिकल मूवी देखना चाहते हैं तो मैं तो कहूंगा आपको एक बार से ये मूवी जरूर से देख लेनी चाहिए अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे की आखिर यह मूवी आपको कहाँ देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए खुशी की बात यह है की इस मूवी को टीटी पर रिलीज कर दिया गया है आप चाहे तो इस मूवी को घर बैठे ही डिजनी प्लस हॉटस्टार पर इंजॉय कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में नई मूवी के साथ तब तक आप आई बी सेवेंटी वन मूवी को एंजॉय कर लीजिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद हेलो नमस्कार दोस्तों अगर आप भी आई बी सेवेंटी वन मूवी देखना चाहते हैं लेकिन आई बी सेवेंटी वन मूवी आपको कहीं देखने को नहीं मिल रही और दोस्तों आप कंफ्यूज हैं कि आखिर यह मूवी आपको कहां देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आई बी सेवेंटी वन मूवी के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं और दोस्तों हम बात करेंगे की कैसे आप इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए आज के इस वीडियो को शुरू कर ले दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आई वी मूवी के कास्ट की फिर हम बात कर लेंगे की आखिर आप इस मूवी को घर बैठे कैसे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों अगर हम बात करें आई बी मूवी के कास्ट की तो इसमें हम सब के फेवरेट विद्युत जामवाल जिनकी खुदा हाफिज चैप्टर वन और चैप्टर टू मूवी तो आपने जरूर देखी होगी उसी के साथ दोस्तों दिलीप थाहिल शहीद रहमान निहारिका और विशाल जेठवा भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह विदुत जामवाल के बहुत बड़े फैन हैं और उनकी मूवी देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करते तो इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जरूर से बताइएगा और दोस्तों आप में से किन लोगों ने विद्युत जामवाल की खुदा हाफिज चैप्टर टू और चैप्टर वन मूवी देखी है हमें कमेंट करते हुए जरूर से बताइएगा संकल्प रेडी की डायरेक्शन में बनने वाली ये एक, एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसकी अगर रेटिंग की बात करें तो आई एम डी बी आरोप और एटी गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है दोस्तों आई बी मूवी की कहानी काफी ज्यादा रोमांचक है जो दर्शकों को बांध पाने में काफी हद तक सक्षम हो जाती है दोस्तों आई बी आदित्य शास्त्री द्वारा लिखी गई कहानी पर संकल्प रेड्डी द्वारा निर्देशित की गई एक फिल्म है दोस्तों आप लोगों को जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है कि ये मूवी इंडो पाकिस्तानी वॉर जो कि 1971 में हुआ था उस पर बेस्ड है और किस तरह से इंडियन फौज ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा था दोस्तों अगर आप एक हिस्टोरिकल मूवी देखना चाहते है तो मैं तो कहूँगा आपको एक बार ऐसी ये मूवी जरूर ऐसी देख लेनी चाहिए अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे की आखिर यह मूवी आपको कहाँ देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए खुशी की बात यह है की इस मूवी को टीटी पर रिलीज कर दिया गया है आप चाहे तो इस को घर बैठे ही डिजनी प्लस होटस्ट पर एंजॉय कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में नई मूवी के साथ तब तक आप आई बी सेवेंटी वन मूवी को एंजॉय कर लीजिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद हेलो नमस्कार दोस्तों अगर आप भी आई बी सेवेंटी वन मूवी देखना चाहते हैं लेकिन आई बी सेवेंटी वन मूवी आपको कहीं देखने को नहीं मिल रही और दोस्तों आप कंफ्यूज हैं कि आखिर यह मूवी आपको कहां देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आई बी सेवेंटी वन मूवी के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं और दोस्तों हम बात करेंगे कि कैसे आप इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आई बी मूवी के कास्ट की फिर हम बात कर लेंगे की आखिर आप इस मूवी को घर बैठे कैसे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों अगर हम बात करें आई बी मूवी के कास्ट की तो इसमें हम सब के फेवरेट विदु जामवाल जिनकी खुदा हाफिज चैप्टर वन और चैप्टर टू मूवी तो आपने जरूर देखी होगी उसी के साथ दोस्तों दिलीप थाहिल शहीदुर रहमान निहारिका और विशाल जेठवा भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह विद्युत जामवाल के बहुत बड़े फैन है और उनकी मूवी देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करते तो इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जरूर ऐसी बताइएगा और दोस्तों आप में से किन लोगों ने विद्युत जामवाल की खुदा हाफिज चैप्टर टू और चैप्टर वन मूवी देखी है हमें कमेंट करते हुए जरूर ऐसी बताइएगा संकल्प रेड्डी की डायरेक्शन में बनने वाली ये एक, एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसकी अगर रेटिंग की बात करें तो आई एम डीबी सेवन और 83% गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है दोस्तों आई बी मूवी की कहानी काफी ज्यादा रोमांचक जो दर्शकों को बांध पाने में काफी हद तक सक्षम हो जाती है दोस्तों आई बी सेवेंटी वन आदित्य शास्त्री द्वारा लिखी गई कहानी पर संकल्प रेडी द्वारा निर्देशित की गई एक फिल्म है दोस्तों आप लोगों को जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है कि ये मूवी इंडो पाकिस्तानी वॉर जो की नाइन्टीन में हुआ था उस पर बेस्ड है और किस तरह से इंडियन फौज ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा था दोस्तों अगर आप एक हिस्टोरिकल मूवी देखना चाहते है तो मैं तो कहूँगा आपको एक बार ऐसी ये मूवी जरूर ऐसी देख लेनी चाहिए अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे की आखिर यह मूवी आपको कहा देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए खुशी की बात यह है की इस मूवी को टी टी रिलीज कर दिया गया है आप चाहे तो इस मूवी को घर बैठे ही डिजनी प्लस हो स्टार पर एंजॉय कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में नई मूवी के साथ आई बी सेवेंटी वन मूवी को एंजॉय कर लीजिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद हेलो नमस्कार दोस्तों अगर आप भी आई बी सेवेंटी वन मूवी देखना चाहते हैं लेकिन आई बी सेवेंटी वन मूवी आपको कहीं देखने को नहीं मिल रही और दोस्तों आप कंफ्यूज हैं कि आखिर यह मूवी आपको कहाँ देख को मिलने वाली है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आई बी सेवेंटी वन मूवी के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं और दोस्तों हम बात करेंगे कि कैसे आप इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आई बी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की फिर हम बात कर लेंगे की आखिर आप इस मूवी को घर बैठे कैसे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों अगर हम बात करें आई बी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की तो इसमें हम सबके फेवरेट विदु जामवाल जिनकी खुदा हाफिज चैप्टर वन और चैप्टर टू मूवी तो आपने जरूर देखी होगी उसी के साथ दोस्तों दिलीप थाहिल शहीद रहमान निहारिका और विशाल जेठवा भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह विद्युत जामवाल के बहुत बड़े फैन है और उनकी मूवी देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करते तो इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जरूर ऐसी बताइएगा और दोस्तों आप में से किन लोगों ने विद्युत जामवाल की खुदा हाफिस चैप्टर टू और चैप्टर वन मूवी देखी है हमें कमेंट करते हुए जरूर ऐसी बताइएगा संकल्प रेड्डी की डायरेक्शन में बनने वाली ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसकी अगर रेटिंग की बात करें तो आई एम डी बी सेवन पॉइंट और 83 परसेंट गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है दोस्तों आई बी मूवी की कहानी काफी ज्यादा रोमांचक है जो दर्शकों को बांध पाने में काफी हद तक सक्षम हो जाती है दोस्तों आई बी आदित्य शास्त्री द्वारा लिखी गई कहानी पर संकल्प रेड्डी द्वारा निर्देशित की गई एक फिल्म है दोस्तों आप लोगों को जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है की ये मूवी इंडो पाकिस्तानी वॉर जो की नाइनटीन में हुआ था उस पर बेस्ड है और किस तरह ऐसी इंडियन फोज ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा था दोस्तों अगर आप एक स्टोरिकल मूवी देखना चाहते हैं तो मैं तो कहूंगा आपको एक बार से ये मूवी जरूर से देख लेनी चाहिए अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे कि आखिर यह मूवी आपको कहां देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि इस को टी टी आरोप भी रिलीज कर दिया गया है आप चाहे तो इस मूवी को घर बैठे ही डिजनी प्लस हॉटस्टार पर आरोप इंजॉय कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में नई मूवी के साथ तब तक आप आई बी सेवेंटी वन मूवी को एंजॉय कर लीजिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद हेलो नमस्कार दोस्तों अगर आप भी आई बी सेवेंटी वन मूवी देखना चाहते हैं लेकिन आई बी सेवेंटी वन मूवी आपको कहीं देखने को नहीं मिल रही और दोस्तों आप कंफ्यूज हैं कि आखिर यह मूवी आपको कहां देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आई बी सेवेंटी के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले है और दोस्तों हम बात करेंगे की कैसे आप इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आई बी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की फिर हम बात कर लेंगे की आखिर आप इस मूवी को घर बैठे ऐसी इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों अगर हम बात करें आई वी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की तो इसमें हम सब के फेवरेट विद्युत जामवाल जिनकी खुदा हाफिज चैप्टर वन और चैप्टर टू मूवी तो आपने जरूर देखी होगी उसी के साथ दोस्तों दिलीप थाहिल शाहीदुर रहमान निहारिका और विशाल जेठवा भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह विद्युत जामवाल के बहुत बड़े फैन है और उनकी मूवी देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करते तो इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जरूर ऐसी बताइएगा और दोस्तों आप में से किन लोगों ने विद्युत जामवाल की खुदा हाफिज चैप्टर टू और चैप्टर वन मूवी देखी है हमें कमेंट करते हुए जरूर से बताइएगा संकल्प रेड्डी की डायरेक्शन में बनने वाली ये एक, एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसकी अगर रेटिंग की बात करें तो आई एम डीबी आरोप सेवन पॉइंट टू और एटी थ्री परसेंट गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है दोस्तों आई बी सेवेंटी वन मूवी की कहानी काफी ज्यादा रोमांचक है जो दर्शकों को बांध पाने में काफी हद तक सक्षम हो जाती है दोस्तों आई बी सेवेंटी वन आदित्य शास्त्री द्वारा लिखी गई कहानी पर संकल्प रेड्डी द्वारा निर्देशित की गई एक फिल्म है दोस्तों आप लोगों को जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है कि ये मूवी इंडो पार्टी पाकिस्तानी वॉर जो कि 1971 में हुआ था उस पर बेस्ड है और किस तरह से इंडियन फोज ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा था दोस्तों अगर आप एक हिस्टोरिकल मूवी देखना चाहते हैं तो मैं तो कहूंगा आपको एक बार से ये मूवी जरूर से देख लेनी चाहिए अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे की आखिर यह मूवी आपको कहाँ देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए खुशी की बात यह है की इस मूवी को रिलीज कर दिया गया है आप चाहे तो इस मूवी को घर बैठे ही डिजनी प्लस हॉटस्टार पर इंजॉय कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में नई मूवी के साथ अब तक आप आईबी सेवेंटी वन मूवी को एंजॉय कर लीजिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद हेलो नमस्कार दोस्तों अगर आप भी आई बी सेवेंटी वन मूवी देखना चाहते हैं लेकिन आई बी सेवेंटी वन मूवी आपको कहीं देखने को नहीं मिल रही और दोस्तों आप कंफ्यूज हैं कि आखिर यह मूवी आपको कहां देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आई बी सेवेंटी वन मूवी के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले है और दोस्तों हम बात करेंगे की कैसे आप इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आई बी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की फिर हम बात कर लेंगे की आखिर आप इस मूवी को घर बैठे कैसे से इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों अगर हम बात करें आई वी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की तो इसमें हम सब के फेवरेट विद्युत जामवाल जिनकी खुदा हाफिज चैप्टर वन और चैप्टर टू मूवी तो आपने जरूर देखी होगी उसी के साथ दोस्तों दिलीप थाहिल शहीद रहमान निहारिका और विशाल जेठवा भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह विद्युत जामवाल के बहुत बड़े फैन है और उनकी मूवी देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करते तो इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जरूर ऐसी बताइएगा और दोस्तों आप में से किन लोगों ने विद्युत जामवाल की खुदा हाफिज चैप्टर टू और चैप्टर वन मूवी देखी है हमें कमेंट करते हुए जरूर से बताइएगा संकल्प रेड्डी की डायरेक्शन में बनने वाली ये एक, एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसकी अगर रेटिंग की बात करें तो आई एम डीबी पर इसे सेवन पॉइंट टू और एटी थ्री परसेंट गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है दोस्तों आई बी सेवेंटी वन मूवी की कहानी काफी ज्यादा रोमांचक है जो दर्शकों को बांध पाने में काफी हद तक सक्षम हो जाती है दोस्तों आई बी सेवेंटी वन आदित्य शास्त्री द्वारा लिखी गई कहानी पर संकल्प रेड्डी द्वारा निर्देशित की गई एक फिल्म है दोस्तों आप लोगों को जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है कि ये मूवी इंडो पाकि पाकिस्तानी वॉर जो कि 1971 में हुआ था उस पर बेस्ड है और किस तरह से इंडियन फौज ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा था दोस्तों अगर आप एक हिस्टोरिकल मूवी देखना चाहते हैं तो मैं तो कहूंगा आपको एक बार से ये मूवी जरूर से देख लेनी चाहिए अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे की आखिर यह मूवी आपको कहाँ देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए खुशी की बात यह है की इस मूवी को टीटी पर रिलीज कर दिया गया है आप चाहे तो इस मूवी को घर बैठे ही डिजनी प्लस हॉटस्टार पर इंजॉय कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में नई मूवी के साथ अब तक आप आई बी सेवेंटी वन मूवी को एंजॉय कर लीजिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद हेलो नमस्कार दोस्तों अगर आप भी आई बी सेवेंटी वन मूवी देखना चाहते हैं लेकिन आई बी सेवेंटी वन मूवी आपको कहीं देखने को नहीं मिल रही और दोस्तों आप कंफ्यूज हैं कि आखिर यह मूवी आपको कहां देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आई बी सेवेंटी वन मूवी के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले है और दोस्तों हम बात करेंगे की कैसे आप इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आई बी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की फिर हम बात कर लेंगे की आखिर आप इस मूवी को घर बैठे कैसे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों अगर हम बात करें आई वी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की तो इसमें हम सब के फेवरेट विद्युत जामवाल जिनकी खुदा हाफिज चैप्टर वन और चैप्टर टू मूवी तो आपने जरूर देखी होगी उसी के साथ दोस्तों दिलीप थाहिल शाहीदुरमान निहारिका और विशाल जेठवा भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह विद्युत जामवाल के बहुत बड़े फैन है और उनकी मूवी देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करते तो इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जरूर ऐसी बताइएगा और दोस्तों आप में से किन लोगों ने विद्युत जामवाल की खुदा हाफिज चैप्टर टू और चैप्टर वन मूवी देखी है हमें कमेंट करते हुए जरूर से बताइएगा संकल्प रेड्डी की डायरेक्शन में बनने वाली ये एक, एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसकी अगर रेटिंग की बात करें तो आई एम यूजर ने इसे पसंद भी किया है दोस्तों आई बी सेवेंटी वन मूवी की कहानी काफी ज्यादा रोमांचक है जो दर्शकों को बांध पाने में काफी हद तक सक्षम हो जाती है दोस्तों आई बी सेवेंटी वन आदित्य शास्त्री द्वारा लिखी गई कहानी पर संकल्प रेड्डी द्वारा निर्देशित की गई एक फिल्म है दोस्तों आप लोगों को जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है कि ये मूवी इंडो पार्टी पाकिस्तानी वॉर जो कि 1971 में हुआ था उस पर बेस्ड है और किस तरह से इंडियन फोज ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा था दोस्तों अगर आप एक हिस्टोरिकल मूवी देखना चाहते हैं तो मैं तो कहूंगा आपको एक बार से ये मूवी जरूर से देख लेनी चाहिए अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे की आखिर यह मूवी आपको कहाँ देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप सभी लोगो के लिए खुशी की बात यह है कि इस मूवी को और टीटी आरोप रिलीज कर दिया गया है आप चाहे तो इस मूवी को घर बैठे ही डिजनी प्लस हॉटस्टार पर इंजॉय कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में नई मूवी के साथ तब तक आप आईबी सेवेंटी वन मूवी को एंजॉय कर लीजिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद हेलो नमस्कार दोस्तों अगर आप भी आई बी सेवेंटी वन मूवी देखना चाहते हैं लेकिन आई बी सेवेंटी वन मूवी आपको कहीं देखने को नहीं मिल रही और दोस्तों आप कंफ्यूज हैं कि आखिर यह मूवी आपको कहां देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आई बी सेवेंटी वन मूवी के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले है और दोस्तों हम बात करेंगे की कैसे आप इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आई बी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की फिर हम बात कर लेंगे की आखिर आप इस मूवी को घर बैठे कैसे ऐसी इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों अगर हम बात करें आई वी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की तो इसमें हम सब के फेवरेट विद्युत जामवाल जिनकी खुदा हाफिज चैप्टर वन और चैप्टर टू मूवी तो आपने जरूर देखी होगी उसी के साथ दोस्तों दिलीप थाहिल शहीद रहमान निहारिका और विशाल जेठवा भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह विद्युत जामवाल के बहुत बड़े फैन है और उनकी मूवी देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करते तो इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जरूर ऐसी बताइएगा और दोस्तों आप में से किन लोगों ने विद्युत जामवाल की खुदा हाफिज चैप्टर टू और चैप्टर वन मूवी देखी है हमें कमेंट करते हुए जरूर से बताइएगा संकल्प रेड्डी की डायरेक्शन में बनने वाली ये एक, एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसकी अगर रेटिंग की बात करें तो आई एम डीबी आरोप सेवन और एटी गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है दोस्तों आई बी मूवी की कहानी काफी ज्यादा रोमांचक है जो दर्शकों को बांध पाने में काफी हद तक सक्षम हो जाती है दोस्तों आई बी आदित्य शास्त्री द्वारा लिखी गई कहानी पर संकल्प रेड्डी द्वारा निर्देशित की गई एक फिल्म है दोस्तों आप लोगों को जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है कि ये मूवी इंडो पाकिस्तानी वॉर जो कि 1971 में हुआ था उस पर बेस्ड है और किस तरह से इंडियन फौज ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा था दोस्तों अगर आप एक हिस्टोरिकल मूवी देखना चाहते हैं तो मैं तो कहूंगा आपको एक बार से ये मूवी जरूर से देख लेनी चाहिए अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे की आखिर यह मूवी आपको कहाँ देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए खुशी की बात यह है की इस मूवी को और टीटी पर भी कर दिया गया है आप चाहे तो इस मूवी को घर बैठे ही डिजनी प्लस हॉटस्टार पर इंजॉय कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में नई मूवी के साथ तब तक आप आई बी सेवेंटी वन मूवी को एंजॉय कर लीजिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद हेलो नमस्कार दोस्तों अगर आप भी आई बी सेवेंटी वन मूवी देखना चाहते हैं लेकिन आई बी सेवेंटी वन मूवी आपको कहीं देखने को नहीं मिल रही और दोस्तों आप कंफ्यूज हैं कि आखिर यह मूवी आपको कहां देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आई बी सेवेंटी वन मूवी के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं और दोस्तों हम बात करेंगे की कैसे आप इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए आज के इस वीडियो को शुरू कर ले ते है दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते है आईवी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की फिर हम बात कर लेंगे कि आखिर आप इस मूवी को घर बैठे कैसे एंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों अगर हम बात करें आई बी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की तो इसमें हम सब के फेवरेट विदुत जामवाल जिनकी खुदा हाफिज चैप्टर वन और चैप्टर टू मूवी तो आपने जरूर देखी होगी उसी के साथ दोस्तों दिलीप थाहिल शहीद रहमान निहारिका और विशाल जेठवा भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह विदुत जामवाल के बहुत बड़े फैन है और उनकी मूवी देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करते तो इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जरूर से बताइएगा और दोस्तों आप में से किन लोगों ने विद्युत जामवाल की खुदा हाफिज चैप्टर टू और चैप्टर वन मूवी देखी है हमें कमेंट करते हुए जरूर से बताइएगा संकल्प रेडी की डायरेक्शन में बनने वाली ये एक, एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसकी अगर रेटिंग की बात करें तो आई एम डी बी आरोप सेवन और एटी गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है दोस्तों आई बी मूवी की कहानी काफी ज्यादा रोमांचक है जो दर्शकों को बांध पाने में काफी हद तक सक्षम हो जाती है दोस्तों आई बी आदित्य शास्त्री द्वारा लिखी गई कहानी पर संकल्प रेड्डी द्वारा निर्देशित की गई एक फिल्म है दोस्तों आप लोगों को जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है कि ये मूवी इंडो पाकिस्तानी वॉर जो कि 1971 में हुआ था उस पर बेस्ड है और किस तरह से इंडियन फौज ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा था दोस्तों अगर आप एक हिस्टोरिकल मूवी देखना चाहते है तो मैं तो कहूँगा आपको एक बार ऐसी ये मूवी जरूर ऐसी देख लेनी चाहिए अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे की आखिर यह मूवी आपको कहाँ देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए खुशी की बात यह है की इस मूवी को टीटी पर रिलीज कर दिया गया है आप चाहे तो इस को घर बैठे ही डिजनी प्लस पर इंजॉय कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में नई मूवी के साथ अब तक आप आई बी सेवेंटी वन मूवी को एंजॉय कर लीजिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद हेलो नमस्कार दोस्तों अगर आप भी आई बी सेवेंटी वन मूवी देखना चाहते हैं लेकिन आई बी सेवेंटी वन मूवी आपको कहीं देखने को नहीं मिल रही और दोस्तों आप कंफ्यूज हैं कि आखिर यह मूवी आपको कहां देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आई बी सेवेंटी वन मूवी के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं और दोस्तों हम बात करेंगे कि कैसे आप इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आई बी मूवी के कास्ट की फिर हम बात कर लेंगे की आखिर आप इस मूवी को घर बैठे कैसे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों अगर हम बात करें आई बी मूवी के कास्ट की तो इसमें हम सब के फेवरेट विदु जामवाल जिनकी खुदा हाफिज चैप्टर वन और चैप्टर टू मूवी तो आपने जरूर देखी होगी उसी के साथ दोस्तों दिलीप थाहिल शहीदुर रहमान निहारिका और विशाल जेठवा भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह विद्युत जामवाल के बहुत बड़े फैन है और उनकी मूवी देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करते तो इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जरूर ऐसी बताइएगा और दोस्तों आप में से किन लोगों ने विद्युत जामवाल की खुदा हाफिस चैप्टर टू और चैप्टर वन मूवी देखी है हमें कमेंट करते हुए जरूर ऐसी बताइएगा संकल्प रेडी की डायरेक्शन में बनने वाली ये एक एक्शन एक थ्रिलर मूवी है जिसकी अगर रेटिंग की बात करें तो आई एम डीबी सेवन पॉइंट टू और एटी थ्री परसेंट गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है दोस्तों आई बी सेवेंटी वन मूवी की कहानी काफी ज्यादा रोमांचक जो दर्शकों को बांध पाने में काफी हद तक सक्षम हो जाती है दोस्तों आई बी आदित्य शास्त्री द्वारा लिखी गई कहानी पर संकल्प रेड्डी द्वारा निर्देशित की गई एक फिल्म है दोस्तों आप लोगों को जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है कि ये मूवी इंडो पाकिस्तानी वॉर जो कि 1971 में हुआ था उस पर बेस्ड है और किस तरह से इंडियन फौज ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा था दोस्तों अगर आप एक हिस्टोरिकल मूवी देखना चाहते है तो मैं तो कहूँगा आपको एक बार ऐसी ये मूवी जरूर ऐसी देख लेनी चाहिए अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे की आखिर यह मूवी आपको कहाँ देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि इस मूवी को टी टी रिलीज कर दिया गया है आप चाहे तो इस मूवी को घर बैठे ही डिजनी प्लस होटस्ट पर एंजॉय कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में नई मूवी के साथ आई बी सेवेंटी वन मूवी को एंजॉय कर लीजिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद हेलो नमस्कार दोस्तों अगर आप भी आई बी सेवेंटी वन मूवी देखना चाहते हैं लेकिन आई बी सेवेंटी वन मूवी आपको कहीं देखने को नहीं मिल रही और दोस्तों आप कंफ्यूज हैं कि आखिर यह मूवी आपको कहाँ देख देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आई बी सेवेंटी वन मूवी के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं और दोस्तों हम बात करेंगे कि कैसे आप इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आई बी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की फिर हम बात कर लेंगे की आखिर आप इस मूवी को घर बैठे कैसे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों अगर हम बात करें आई बी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की तो इसमें हम सबके फेवरेट विदु जामवाल जिनकी खुदा हाफिज चैप्टर वन और चैप्टर टू मूवी तो आपने जरूर देखी होगी उसी के साथ दोस्तों दिलीप थाहिल शहीद रहमान निहारिका और विशाल जेठवा भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह विद्युत जामवाल के बहुत बड़े फैन है और उनकी मूवी देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करते तो इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जरूर ऐसी बताइएगा और दोस्तों आप में ऐसी किन लोगों ने विद्युत जामवाल की खुदा हाफिज चैप्टर टू और चैप्टर वन मूवी देखी है हमें कमेंट करते हुए जरूर ऐसी बताइएगा संकल्प रेड्डी की डायरेक्शन में बनने वाली ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसकी अगर रेटिंग की बात करें तो आई एम डी बीस ऐसी टू और 83 परसेंट गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है दोस्तों आई बी मूवी की कहानी काफी ज्यादा रोमांचक है जो दर्शकों को बांध पाने में काफी हद तक सक्षम हो जाती है दोस्तों आई बी आदित्य शास्त्री द्वारा लिखी गई कहानी आरोप संकल्प रेड्डी द्वारा निर्देशित की गई एक फिल्म है दोस्तों आप लोगों को जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है की ये मूवी इंडो पाकिस्तानी वॉर जो की नाइनटीन में हुआ था उस पर बेस्ड है और किस तरह से इंडियन फौज ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा था दोस्तों अगर आप एक हिस्टोरिकल मूवी देखना चाहते हैं तो मैं तो कहूंगा आपको एक बार से ये मूवी जरूर से देख लेनी चाहिए अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे कि आखिर यह मूवी आपको कहां देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि इस मूवी की टी टी रिलीज कर दिया गया है आप चाहे तो इस मूवी को घर बैठे ही डिजनी प्लस हॉटस्टार पर इंजॉय कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में नई मूवी के साथ तब तक आप आई बी सेवेंटी वन मूवी को इंजॉय कर लीजिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद हेलो नमस्कार दोस्तों अगर आप भी आई बी सेवेंटी वन मूवी देख ना चाहते हैं लेकिन आई बी सेवेंटी वन मूवी आपको कहीं देखने को नहीं मिल रही और दोस्तों आप कंफ्यूज हैं कि आखिर यह मूवी आपको कहां देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आई बी सेवेंटी वन मूवी के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले है और दोस्तों हम बात करेंगे की कैसे आप इस मूवी को घर बैठे इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आई बी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की फिर हम बात कर लेंगे की आखिर आप इस मूवी को घर बैठे कैसे एंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों अगर हम बात करें आई वी सेवेंटी वन मूवी के कास्ट की तो इसमें हम सब के फेवरेट विद्युत जामवाल जिनकी खुदा हाफिज चैप्टर वन और चैप्टर टू मूवी तो आपने जरूर देखी होगी उसी के साथ दोस्तों दिलीप थाहिल शहीद रहमान निहारिका और विशाल जेठवा भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह विद्युत जामवाल के बहुत बड़े फैन है और उनकी मूवी देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करते तो इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जरूर से बताइएगा और दोस्तों आप में से किन लोगों ने विद्युत जामवाल की खुदा हाफिज चैप्टर टू और चैप्टर वन मूवी देखी है हमें कमेंट करते हुए जरूर से बता संकल्प रेड्डी की डायरेक्शन में बनने वाली ये एक, एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसकी अगर रेटिंग की बात करें तो आई एम डीबी आरोप सेवन पॉइंट टू और एटी थ्री परसेंट गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है दोस्तों आई बी सेवेंटी वन मूवी की कहानी काफी ज्यादा रोमांचक है जो दर्शकों को बांध पाने में काफी हद तक सक्षम हो जाती है दोस्तों आई बी सेवेंटी वन आदित्य शास्त्री द्वारा लिखी गई कहानी पर संकल्प रेड्डी द्वारा निर्देशित की गई एक फिल्म है दोस्तों आप लोगों को जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है कि ये मूवी इंडो पाकिस्तानी वॉर जो कि 1971 में हुआ था उस पर बेस्ट है और किस तरह ऐसी इंडियन फौज ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा था दोस्तों अगर आप एक हिस्टोरिकल मूवी देखना चाहते हैं तो मैं तो कहूंगा आपको एक बार से ये मूवी जरूर से देख लेनी चाहिए अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे की आखिर यह मूवी आपको कहाँ देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप सभी लोगो के लिए खुशी की बात यह है की इस मूवी को टीटी पर भी रिलीज कर दिया गया है आप चाहे तो इस मूवी को घर बैठे ही डिजनी प्लस हॉटस्टार पर इंजॉय कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में नई मूवी के साथ अब तक आप आईबी बी सेवेंटी वन मूवी को एंजॉय कर लीजिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद